من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا. پھر اس روز سے تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحری کا سماں میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. یہ سانسیں باقی تھیں تو آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج
29 रमज़ान मुबारक है और 8 अप्रैल है। ऐसे ही अब से 28 रोज़ पहले आपसे सलाम दुआ हुई और मैंने कहा कि आज यकम रमज़ान है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये माह मुकद्दस हमें नसीब किया। हम इससे किस हद तक इस्तफादा कर सके वो आपका दिल जानता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है। बस दिल ये ज़रूर चाहता है कि कोई बोझ दिल पर ना रहे। सोचा मैंने कुछ और था, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं सरदार खुर्शीद साहब, उन्होंने एक मैसेज भेजा तो मेरे दिल ने कहा कि मैं आपसे शेयर करूं, और उसको उन्होंने कैप्शन दिया अहम बल्कि बहुत ही अहम तलुए खुर्शीद के नाम से। कहने लगे, तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार और तमाम अफराद से मुखातिब हूँ, रमज़ान मुबारक का अलविदा हो रहा है, आपने रोज़े रखे, इबादात की, कुरान मजीद की तिलावत की, अल्लाह ताला का कुर्ब पाया, ये माह मुकद्दस सेहत और सलामती के साथ मिला, जिस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। हम सब में से कोई ये नहीं चाहेगा कि ये सारी इबादत और तकवा और बंदगी गारत हो जाए, खुदा न खास्ता ज़ाया हो जाए, मगर दुख इस बात का है कि वो लोग ये सब ज़ाया कर देंगे जो किसी भाई दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी या किसी दुनियावी वजह से नाराज़ हैं। सबसे बड़ा काम ये करें कि एक लम्हा ज़ाया किए बग़ैर फ़ोन उठाएँ या उस शख्स के पास चले जाएं, उसे माफ़ कर दें या माफ़ी मांग लें। इससे बड़ा अमल कोई नहीं होगा। माफ़ी मांगने वाला अंदर से मजबूत और अल्लाह के यहाँ बड़ा होता है। आज आप बड़े बन जाएं, खुदा रा हसद बुग़्ज़ और कीना ख़त्म करके उससे राज़ी हो जाएं। नाराज़गी सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए जो अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी करता है। ज़ाती झगड़े फसाद तनाज़ात और रंजिशों को दफन कर दें। आज आप बड़े बन जाएं, बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ दें, दूसरों की खुशी में खुश हो जाएं, मेरे सवाल पर ज़रूर सोचें, शुक्रगुजार रहूँगा तलुए खुर्शीद। तो ये जनाब सरदार खुर्शीद साहब की तहरीर थी और मुझे लगा कि आपसे ये शेयर करनी चाहिए। आज का जो मौजू सुखन है उस पर बात करने से पहले हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का कॉल, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस गुनाहगार को मरने के बाद बख्शा तो ये समझ लेना चाहिए कि उसकी बख्शिश का अमल इस दुनिया से ही शुरू हो चुका था, वो कोई ऐसा कर चुका था जो उसकी बख्शिश का सबब बन गया। अगर किसी की माफ़ी का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ तो वो आखिरत में भी गुनाहगार ही रहेगा। दुआएं, दिल से निकली दुआएं, आंसुओं में भीगी दुआएं अर्श तक पहुंचती हैं और सुन ली जाती हैं। जिसको तौबा की तौफीक मिल गई उसको बख्शिश का परवाना भी मिल जाता है। जिसको तौबा की तौफीक मिल गई उसको बख्शिश का परवाना भी मिल जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैह, वो समीउ अलीम है, समीउ बसीर है। और आज जितना वो महकमा मौसमियात और वो जो कह रहे हैं ख्याल है कि आखिरी रोज़ा और फिर सऊदी अरब, और मेरा ख्याल है कि आज ये बात हो रही थी कि शायद मुस्लिम उम्मा में एक ही दिन ईद शायद सब सेलिब्रेट करेंगे, आइदर इट बी यूएस, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुछ इस तरह का मिजाज और माहौल बन रहा है। अल्लाह इसमें भी कोई खैर बरकत पैदा करे और हम शायद इस पैगाम को भी समझ लें कि इसी तरह हम इकट्ठे भी हो जाएं, दोस्त एक साथ इकट्ठे हों और दुश्मनों को ऐसा पैगाम दें कि हम इकट्ठे हैं, हम में तफरीक नहीं है, हमारी सफ़ों में वो इत्तहाद है और हमारे दिल भी सीधे हैं। सो जिन शख्सियात को दावत देनी है उनको आप मेरे से कहीं ज़्यादा आप वो रहते हैं मुतमन्नी, लेकिन उससे पहले कारी हसीब ख़ान जो हैं वो हमें आज दरूद ताज सुनाएंगे या नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह कारी हसीब। सल्ले अला नबीना सल्ले हरम मैं फकीर अजल तेरे गुण और ये लत
मैं तलब ही तलब तू अता ही अता मैं खता ही खता तू को जा मन को जा तू को जा मन को जा मेरी हर सांस तो खून छोड़े मेरा तेरी रहमत मगर दिल ना तोड़े मेरा कसाए जात हो तेरी खैरत हो तू सखी मैं गदा तू को जा मन को जा तू को जा मन को जा तू को जा मन को जा तेरी खुशबू मेरी चादर तेरे तेवर मेरा जेवर तेरा शेबा मेरा मसलक वरफाना लक दिकरक 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 मेरी मंजिल तेरी आहट मेरा सिदरा तेरी चौखट तेरी गागर मेरा सागर तेरा सहरा मेरा पंघट मैं अजल से तेरा प्यासा ना हो खाली मेरा कासा तेरे बारी तेरा बालक वरफाना लक दिकरा वरफाना लक दिकरा वरफाना लक दिकरा तेरी मिदहत मेरी बोली तू खजाना मैं हूँ झोली तेरा साया मेरी काया तेरा झोंका मेरी डोली तेरा रास्ता मेरा हादी तेरी यादें मेरी वादी तेरे जर्रे मेरे दीपक पक वरफाना लक दिकरा वरफाना लक दिकरा वरफाना लक दिकरा आ मैं हूँ कतरा तू समंदर मेरी दुनिया तेरे अंदर सगे दाता मेरा नाता ना वली हूँ ना कलंदर तेरे साए में खड़े हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं कोई तुझसा नहीं बेशक वरफाना लक दिकरा महशर का जब हंगामा हो नातों का सर पे मामा खुल जाए जब आमाल मेरे हर एक से जुदा मेरा नामा हो जिक्र की मोहर हो लब पर मेरी जितनी सांसें हो सब पर तेरे जिक्र की मोहर हो लब पर मेरी जितनी सांसें हो सब पर बस अपना नाम रकम करना ए मेरे करीम करम करना मैं अधूरा तू मुकम्मल मैं शिकस्ता तू मुसलसल मैं सुखन तू पयंबर मेरा मातब तेरा एक पल तेरी जुम्बिश मेरा खामा तेरा नुकता मेरा नामा किया तूने मुझे जीरक वरफाना लक दिकरा वरफाना लक दिकरा वरफाना लक दिकरा मेरी सोचे हो सुवाली मेरा लहजा हो बिलाली शब तीरा कर खीरा मेरे दिन भी हो मिसाली तेरा मजहर हो मेरा फन फन रहे उजला मेरा दामन ना हो मुझ में कोई कालक वरफाना लक दिकरा वरफाना लक दिकरा वरफाना लक दिकरा नाथ रसूल मकबूल बहुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे।
قاری حسیب خان, آپ نے آغاز تو جناب مظفر وارثی کے کلام سے کیا, آگے کس کے اشعار؟ شاعر کا نام نہیں ہے, یہ غالباً انڈیا کے کوئی شاعر ہیں. اچھا, ان کا نام ابھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. صحیح, مگر بڑا ہی خوبصورت کلام انہوں نے لکھا ہے. بالکل ٹھیک, ورافت, جزاکم اللہ بالخیر قاری حسیب خان. ہماری اس سما کی جو رمضان کا سما فیملی کا بڑا اہم اور بابرکت حصہ رہے, سحری میں بالخصوص قرآن کریم کی قرآت سے اور پھر درود تاج ہم نے ان سے سنا. اللہ ان کے گلے کو مزید نور سے بھر دے. جیتے رہے قاری حسیب خان. جی, میں ذکر کر رہا تھا اور آپ میرے سے زیادہ ان کے منتظر رہتے ہیں. میں انتہائی قابل احترام جناب فرید ایاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں, اور ان کے ہمراہ میں گزارش کروں گا مولانا اکبر درس صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں. ہم بڑے پیار اور محبت سے ہماری گتھیاں سلجھاتے ہیں. اور ایک ایسے صاحب بھی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, خدا کی بستی ہو, میرا نام منگو ہو, منڈی ہو, تنہائیاں ہوں, تعلیم بالغاں ہو. ہمیں وہ اس لیے بہت پیارے ہیں کہ وہ جناب محمد کوی خان کو بھی بہت پیارے تھے, قاضی واجد صاحب کو بھی بہت پیارے تھے, محمود علی صاحب کو بھی بہت پیارے تھے. اور تشریف لاتے جناب بہروز سبزواری صاحب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی محبت آئی جان, سلامت رہیے. السلام علیکم اکبر صاحب. سر پلیز بسم اللہ. اور جناب سارم برنی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لائیں. سارم برنی صاحب کا تو اپنا گھر ہے, ان کو تو مجھے لگتا ہے کوئی دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں, بلکہ ہم تو ان کی اجازت سے آ جاتے ہیں. السلام علیکم سارم بھائی, کیسے مزاج, طبیعت اچھی, تشریف رکھے سارم بھائی. پروگرام آپ قائم ہے نا اپنے ارادوں پہ؟ بالکل الحمدللہ رب العالمین. وہ میں آپ کو تھوڑی دیر آج بتاؤں گا کہ میں کس ارادے کی بات کر رہا ہوں. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انتہائی قابل احترام جناب فرید ایاز, جناب بہروز سبزواری, ہرے بھرے اور کھرے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. مولانا اکبر درس صاحب تشریف فرما ہیں, سارم مرنی بھائی بھی بیٹھے. ابھی پتہ لگ رہا تھا سارم بھائی کا کوئی ایک اور کلپ بھی وائرل ہو گیا, تو وہ سبحان اللہ زندہ باد. میں مجھے آپ کو ایک یاد پہ لے کے جانا ہے جو آپ نے شیئر کی, اور میں بڑا بڑا آپ کا شکر گزار ہوں کہ ہم ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھے تھے اور آپ نے وہ ذکر بتایا کہ آپ کی پہلی حاضری تھی پاک پتن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ, اور آپ کے پاس وہ جو ساز و سامان بھی نہیں تھا, پیٹی بھی کچھ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا, وہ ذرا شیئر کر سکیں گے کہ کیا کیفیت ہوا؟ یہ جناب کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, 20 ذی الحجہ کو جی میں نے وہ بڑی پارٹی جو تھی جی جس میں میں کام کیا کرتا تھا بچپن سے جی 20 ذی الحجہ کو میں نے چھوڑ دی, وہ ٹھیک اسباب کچھ بھی ہوں جی, اور پھر میں جس طرح تمام قوال حضرات وہاں پر پاک پتن میں حاضری دیتے ہیں, وہ ان کی ابتدا بھی ہوتی ہے, کچھ شہرت بھی ہو جاتی ہے, کچھ دعا سلام بھی ہو جاتی ہے. وہاں پہنچا تو وہاں جانے سے پہلے میرے پاس نہ باجا تھا, نہ ڈھولک تھی, نہ کچھ تھا, نہ کچھ کچھ سارا سامان نہیں تھا. میرے ایک پھوپھی زاد بھائی ہوا کرتے تھے, نام بڑے آپ نے سنا ہوگا, موہن نیازی قوال. موہن نیازی قوال آپ نے ذکر کیا, وہ آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں؟ میں ان کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں اور ہمیشہ یاد کرتا رہوں گا. میں احسان فراموش نہیں ہوں. میں ان کے پاس پہنچا, میں نے کہا بھائی مجھے باجی ڈھولک چاہیے, میں پاک پتن جاؤں گا. تو ان کو علم نہیں ہوا کہ یہ کچھ اندرون خانہ کچھ چمکلیش کچھ ہو گئی ہے. تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ ابے بھائیو تو مجھ سے باجی ڈھولک مانگ رہا ہے؟ ارے بھائی وہ تو تیرے ہی ہیں, تیرے ہی ہیں, جیسے مجھے لے جا. یہ ان کا احسان میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا. خیر وہ باجی ڈھولک لے کے مختصر یہ کہ میں پاک پتن پہنچا, تو وہاں پر بڑی مشکل سے لوگوں کا نمبر ملتا ہے, حاضری سب اپنی حاضری کے لیے اور بڑی مشکل ہوتی ہے جی, عمومی طور پر خصوصاً نئے قوال کو تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے. اور میرا یہ رہتا تھا کہ میں جا کے صرف بابا صاحب کو سناؤں گا کہ میرے ساتھ کیا بھی تھی, میں بابا صاحب کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ یہ گزشتہ دو چار سالوں میں کیا بیتی ہے, اور آپ بتائیے اب میں کیا کروں. مجھ سے پہلے غلام فرید صابری تھے, یا نصرت تھا, یا آگے پیچھے, بیچ درمیان میں مجھے صرف اور صرف 5 منٹ کا وقت بڑی مشکل سے دیا گیا جی ٹھیک.
तो मेरा ये था कि भी 5 मिनट सिर्फ सरकार में हाजिरी है, बैठ के उठ जाना ही बहुत बड़ी वो है। ठीक, तो हम बैठ गए। तो नुसरत को आधा घंटा दिया गया था, भाई फरीद को आधा घंटा दिया गया था, बीच में उठने बैठने के दरमियान जो है 5 मिनट। तो हम बैठ गए वही टूटे फूटे बाजे लेकर। तो मुझसे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कलाम शुरू किया, नहीं नहीं, मुझसे कलाम शुरू करवाया गया जैसा कि आज तक वही होता है। अल्लाह अकबर। तो मैंने शुरू की, अरे मेरी मैली, इस बात का ख्याल रखिए कि वो मेरी गुजरिया क्या है, मैं जिन हालात से गुजर के पहुंचा हूँ। मेरी मैली गुदड़िया धो दे, मेरी मैली गुदड़िया धो दे, गंजे शक्कर के लाल बाबा फरीद के लाल गंजे। तो मैं बाबा फरीद में बैठकर गुदड़िया धुलवा रहा हूँ साबिर पाक से, जो उनके दिल भर। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह अकबर कबीर। क्योंकि वो अपने अपने आशिक की और अपने गुलाम की लाज उनको होती है। अल्लाह अकबर। औरों के धोए, औरों के धोए शाल दुशाले, औरों के धोए शाल दुशाले, औरों के धोए। ये तकरार मेरी चली गई तकरीबन तकरीबन कोई 12-13 मिनट के ऊपर। अच्छा जी। आंखें मेरी बंद थी, आंखें मेरी बंद थी और मैं अपने रब्त में लगा हुआ था। 12-13 मिनट के बाद जब मेरी जरी सी आंख खुली तो मैंने देखा पूरी महफिल खड़ी हुई है। अल्लाह। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त वहाँ के मुतवल्ली खास थे, वो खड़े हुए हाथ बांधे हुए और पूरी महफिल उनके अदब व एहतराम में हाथ। और मैंने जब अपने इधर उधर देखा तो मेरा पूरा बाजा और मैं इतना इतना वो पैसों में धसा हुआ था। अल्लाह। इतना इतना पैसों में धसा हुआ था, महफिल चल रही थी और मेरी आँखें, रो रहा था, औरों के धोए शाल दुशाले मेरी महली गुदड़िया धो दे, औरों के धोए शाल दुशाले मेरी महली गुदड़िया धो दे। तो उस वक्त दरबार शरीफ के बंद होने का वक्त आ गया था, दरवाज़ा जो बंद कर दिया जाता है तो बंद कर दिया गया था जी, लेकिन महफिल खड़ी हुई थी और उस वक्त लोगों ने भी देखा और उसके हज़ारों चश्मदीद गवाह भी हैं। मुझे उस बताने में कोई तफाखुर हासिल नहीं है, गुलामी अब मेरी मुस्तनद है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस दरवाजे से 1 रुपये का 1 नोट दरवाजे के नीचे से बाहर निकला, 1 नोट। और यहाँ से वो कुतुबुद्दीन साहब लपके उसको, उसके लिए नया, आपने कहा बिल्कुल, बिल्कुल नया नोट अंदर से खिसकते हुए हजारों लोगों ने देखा। और ये वहां पर दौड़े और उन्होंने वो लाकर वो मुझे नजर पेश की, मैंने खड़े होकर नजर ली और मेरे बाद पता नहीं भाई फरीद थे या नुसरत भाई थे, उन्होंने वहीं पर महफिल बर्खास्त कर दी। अल्लाह। और जनाब वो दिन है, उसी दिन ऐलान हुआ, उसके दूसरे दिन जब मुझे महफिल मिली तो वो ऐलान हुआ कि फरीदुद्दीन अयाज, फरीदुद्दीन अयाज कराची आले गंजे शकरदा शेर, फरीदुद्दीन अयाज कराची आले गंजे शकर, कराची आले गंजे शकरदा शेर। आज और अभी तक जब भी मैं हाजिर होता हूँ तो वो ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है, ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है, मेरे सर पे है ताजे बिलाली। मैं असल में गुज़िश्ता दिनों से हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हुआ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जिक्र हुआ, अब मैं आपसे अकबर साहब ये चाह रहा था कि ये जो लड़ी है ये क्या ताल्लुक है इन शख्सियात का, वो जो चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद। ये एक तो बाबा साहब का यहाँ होना पाकिस्तान में जी, ये एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए जी, कि वो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, फिर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी, और फिर हजरत बाबा फरीद गंजे शकर। तो ये वो दोनों बुजुर्ग तो वहाँ रह रहे हैं, हाँ, भारत में, लेकिन ये
हमारे तोहफा है हमारे लिए बहुत बड़ा जी। और अगर मैंने जो अपनी यानी ज़ाती कैफियत में बताऊं कि जब पहली मर्तबा मैं हाजिर हुआ दरबार पर जी, तो दरबार की हाजिरी के वक्त वालदा हमारी साथ में थी, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत फरमाए, तो वो वहाँ जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे हम अपने घर में आ गए। अच्छा, ये दो जगह पर मैंने कैफियत महसूस की, एक बाबा साहब के मदार अकदस पर और दूसरी जो है हजरत हुजूर गौसे पाक के, कि वहाँ भी बिल्कुल ऐसी अपनाइत होती है कि जैसे आप अपने घर में हैं, आपको कोई गैरियत महसूस नहीं होती। तो बाबा साहब को जो हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ मुतय्यन किया, तो उन हजरत साबिर पिया कलियरी आपके भांजे भी थे, बाबा साहब उनके जो है वो हैं। इस सिलसिले में जो एक ख़ास बात है वो ये है कि खरका खिलाफत कहलाता है जी। आप देखें यहाँ हमारे यहाँ तो मुश्किल ये हो गई है कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता जो है वो मसनदों पर जो है वो हो जाते हैं, लेकिन वहाँ ये इस सिलसिले में आप देखेंगे कि हुजूर अपने हजरत उस्मान हारमनी रहमतुल्लाह, तो हजरत उस्मान हारमनी ने अपना खलीफा हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को बनाया। और ये खरका खिलाफत कैसे चला, हजरत हुजूर जब मेराज पर तशरीफ ले गए, ये एक अजीब बात है, हुजूर जब मेराज पर तशरीफ ले गए हैं तो आपको वहाँ एक नूरानी लिबास जो पहनाया गया वो खरका था, ठीक, जो हम सुनते भी हैं लफ्ज़ याद, जो फिर दुनिया में जब फिर ये मेराज के बाद तशरीफ लाए तो वो खरका जो है हजरत अली को हुजूर ने, हजरत अली ने हजरत हसन बसरी को दिया। अल्लाह, फिर ये इस सिलसिले में हजरत जो सिलसिले के बुजुर्ग थे उनसे होता हुआ हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी के पास आया, उन्होंने ये जो खरका दिया करते थे उसमें से एक लिबास था और उसके साथ कुछ तस्वीर थी। कल ये बताया कि वो कहाँ मदफून है, मैं कौन, हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी, हाँ हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी जो है मदीने मक्का मुकर्रमा में जहाँ इस वक्त मरवा के बाहर लाइब्रेरी है, बड़ा कुतुब खाना बनाया, उसकी सीढ़ियों पर जो है वो हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी, कुतुब खाना वो है बेरोज़ भाई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश। तो अब आप देखें तो उन्होंने जो है खरका दिया हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को, फिर हजरत ख्वाजा साहब ने जो है वो खरका जो है वो, अच्छा इसमें एक बात अजीब रही है कि ये मुर्शिद गिरामी का जब विसाल होता है तो उनको जिनको वो खरका दे रहे हैं वो वहाँ मौजूद नहीं होते, अल्लाह विसाल के वक्त में वो मौजूद नहीं थे। फिर हजरत ख्वाजा साहब ने जो है वो खरका दिया हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वो अमानत रखी, कहा कि ये बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला को मिले। फिर बाबा फरीद गंज शकर ने ये खरका दिया हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही को, फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग दहली को, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग दहली ने कहा कि साहब अब इस खरके का हक अदा करने वाला कोई नहीं है, कहा ये मेरे बाद मेरे साथ दफन कर दिया जाए। आज भी उस खरके के तवस्सुल से कोई शख्स ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग दहली के मदार पर जाकर कोई हाजत अल्लाह ताला के हुजूर पेश करे वो रद्द नहीं होती। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह तो ये असल में सलासिल का जो है वो बिल्कुल ठीक। जनाब बहरोज सब्जवारी, हंसते मुस्कुराते अल्लाह आपको ऐसे ही रखे, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की आप बैटरी को चार्ज करते रहते हैं थपकी और थापड़ा देके। क्या करते हैं आप पाकपतन जाके और कब कब जाते हैं और कब से जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मद। 25 बरस हो गए मुझे, 25 बरस हो गए, और ये सेहरा जो है हमारे बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं रईसुद्दीन शेख साहब, वो मुझे उन्होंने 25 बरस पहले कहा कि हमारे साथ चलो बहुत मज़ा आएगा, पूरा ट्रेन की बोगी बुक होती थी और वो
खाने ऐसा लगता था कि वलीमा हो रहा है ट्रेन में, ठीक, और तमाम जो है, हाँ, और वो मुसलसल क्या बताऊँ आप, अमजद साबरी भी उसी ट्रेन में होते थे और वो आ जाते थे हमारे पास, तो वो पूरी रात गुजरती थी, अगले दिन सुबह जाके ट्रेन पहुंचती थी साहिवाल, वहाँ से उतर के 40 किलोमीटर फिर आप पाकपटन पहुँचते। तो मैं पहली बार गया तो ना बलद था मुझे, 25 बरस पहले आप पहली बार गए, पहली बार गए। एक बात इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरी वालदा जब हयात थी और मैं उनके साथ दो दफ़ा दिल्ली गया, ठीक, दिल्ली से ताल्लुक़ था वालदा का, तो वो मुझे निज़ामुद्दीन औलिया लेके गई हैं दो दफ़ा, ठीक, मुझे ये फील है कि कहीं ना कहीं सिलसिला जुड़ा है। फिर मैं अब्दुल्ला शाह गाजी, अम्मा जाती थी उनके साथ जाता था, जब मैं वहाँ गया हूँ तो जो मुझे तोहफा मिला बाबा फरीद गंज शकर के दर से, और वो सबसे बड़ा दुनिया का तोहफा है, उससे बड़ा तोहफा हो नहीं सकता, नबी पाक की मोहब्बत, इससे बड़ा तोहफा हो नहीं सकता, वो मुझे वहां से मिला, वो मैंने फील किया है, महसूस किया है। बहुत सी ऐसी चीजें जो अल्लाह ताला, मुझे पता नहीं था ना, और वहां जाके जो पीर खाना है बाकायदा हमारा माशाल्लाह, मियाँ महमूद अहमद खान साहब मरहूम, अल्लाह गरी के रहमत करें, मेरे पीर साहब हैं, उनके हाथ से मैं बच्ची शरीफ वाले, जी हाँ, और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, और मैं वो रईसुद्दीन शेख साहब, वो मेरे बड़े हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत करीबी हैं। तो क्रेडिट देखिए, सिलसिला कहीं ना कहीं से जुड़ता है ना, सही, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा एजाज़ है बाबा फरीद गंज शकर। बहरूज भाई, एक बात सबको पता है, आप कितने मसरूफ रहते हैं, आप बहुत प्रोफेशनल और सारा, बाकायदगी कैसे आ गई, वो क्या चीज़ थी जो आपको फिर खींचती रही, और आप बड़े लो प्रोफाइल थे, आप बड़े, मतलब आप, मैं आपको बताता हूं, तौर पे मैं आपको बताता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, दो मुहर्रम को रवानगी हम डाल देते हैं और सात को वापसी होती है, चाहे कैसा मौसम हो, पता नहीं, खुद से होता है और पूरे साल इंतजार होता है। नूर, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, और वहां जाते हैं तो ऐसा इस्तकबाल होता है, वहां कितना रश होता है, सही बात, ऐसा इस्तकबाल होता है कि आपकी सोच है, क्योंकि हम मेहमान होते हैं बाबा फरीदगंज शकर के, वो जो गद्दी नशीन है महमूद साहब, वहाँ मसूद साहब, वो ऐसे प्यार से, लोग तो वो बड़ी बरकती होती है कौड़ियाँ, वो हमें हाथ से देते हैं भाई, अल्लाह हो, ये हम पता नहीं बाबा साहब की वजह से। अभी मैं आपको जरा अगर ले चलूँ, वो एक आजमाइश थी, दुनिया भी उस आजमाइश से गुजरी, आपने भी बड़ा मुकाबला किया, अल्लाह ने आपको अपनी अमान में रखा, वो था कोविड, जी जी, और जिस वक्त वो था, वो कोविड का अटैक आप पे भी बड़ा जोरदार, हाँ जी, 13 दिन में आईसीयू में था, अच्छा जी, और बस ये हम बात जोड़ते जी, मेरा ख्याल मेरा कोई रابطہ इधर से तो मुनकता हुआ, लेकिन मुझे लग रहा कहीं और हो गया। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, इस बात को यहीं से जोड़ेंगे। धोबी रिक्वायर्ड होता है जो निचोड़ के कपड़े धो दे, बस मिलते हैं आपसे एक वक्फे के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप देख रहे हैं सहरी का समा, और हमारे शुरकाए महफिल और मेहमानों में इजाफा और फैमिली मेंबर्स ही, डॉक्टर मेमुना मुर्तज़ा तशरीफ़ फरमाए, मुफ्ती बुजुर्ग फारी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, और लामा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी साहब। अच्छा जी, ये वैसे मैं एक सवाल आप लोगों से वैसे ही करने लगा, आप प्लीज़ इसका बुरा ना मनाइएगा, चूँकि बात हमने वहाँ छोड़ी थी, आप में से कोई लोगों का कोई इतफाक़ हुआ है इंटेंसिव केयर यूनिट में, आईसीयू में, कभी ऐसा खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी, आप भी, ये कब की बात, डेढ़ साल हुआ है, वालदा के साथ मैं रही हूं। नहीं नहीं, आप खुद तो नहीं, एक बार आप भी, अल्लाह अकबर। फिरोज भाई, आप कह रहे थे 13 रोज आईसीयू में था, और वो एक इंजेक्शन लगता है, टू सी उसका नाम है, तो अल्लाह सलामत रखे, बेटा मेरा शहरोज, उससे साइन लिया गया, 30-70 का रेशो होता है, तो
मुझे तो बाद में पता चला, तो वो कैफियत एक अजीब थी और बिल्कुल गेम चेंजर जिसे कहते हैं। ठीक। और अल्लाह मियाँ थे और मैं था, तो ये कितनी खुशनसीबी है। मेरा 13 दिन आईसीयू में रहना, टोटल पॉजिटिविटी। वाह, माशाल्लाह। आपने बहुत मुख्तलिफ रिस्पॉन्ड किया था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। हम सब फिक्रमंद थे, दुआ भी कर रहे थे सब, जैसे। और भी कोविड की क्लैरिटी भी नहीं थी कि क्या करना चाहिए और किस तरह, ये वाला भी बहुत, बहुत सिलसिला। लेकिन आपने जब अभी पाकपतन का जिक्र किया तो आपने कहा कि जो मैंने हासिल किया और 25 बरस से जो जाना है वो है नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। बेशक। तो ये जो आप वो क्या फरीद भाई वो क्या कह रहे थे आप, मरने का जो मिसरा वो था अभी, जिसको मरना नहीं आता, भाई हर चीज़ के लिए तजुर्बा ज़रूरी है जी। ठीक। जिसको मरना नहीं नहीं आता तो वो मरेगा कैसे? हाँ, तो वो है जिसको मरना, जिसको नहीं, मरना नहीं आता वही मर जाता है। ठीक। तुम पे मरता है जो वो जहाँ से गुजर रहे। अल्लाह। अच्छा 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 अच्छा। और आप तू कबल अंतमूत वो तो कि मरने से पहले मर जाओ, मर जाओ। तो वो क्या है कि वो अपने आप को फनाफिल्ला कर देते हैं, तो दुनियावी ख्वाहिशात, दुनियावी जो है ताल्लुकात, वो सबसे मुनक़ता होकर जो है अल्लाह ताला के हो जाते हैं। तो वो इसका मतलब है कि वो दुनिया में नहीं है बल्कि वो अल्लाह ताला से वासिल हो गए। इस पर रोशनी डालिए। अब तो देखिए नूर भाई, दुनिया जो है वो हमें कह रही है जियो जीने के लिए, और कुरान कहता है जियो मरने के लिए। कुरान का पैगाम है जियो मरने के लिए। मौला मुत्तकियान फरात फरमाते हैं अपने खुतबे के अंदर, लिदुलिल मौत, पैदा करो ताकि मौत हो, औलादे पैदा करो ताकि वो मौत की तरफ बढ़े, घर बनाओ ताकि वो तबाह हों, आबादियाँ बनाओ ताकि वो बर्बादी की तरफ बढ़ें। हम लाशऊरी तौर पर उस हकीकी ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे हमने मौत समझा हुआ है। इसीलिए कुरान मजीद ने बार बार झंझोड़ के कहा है, वमा हाज़िहिल हयातु दुनिया इल्ला लहवुन व लईबुन व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यालमून। काश ये जान लेते कि आखिरत की ज़िंदगी वो हकीकी ज़िंदगी है। हदीस में कि अगर मरने वाले को ज़ुबान दी जाए और वह अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नेमतों में से चंद लफ्ज़ का इजहार कर दें तो इंसान का दिल इस दुनिया से उचाट हो जाए और उन नेमतों के आगे इस दुनिया को हीच समझे और पहुंच जाए। यही सबब है कि जो वो मनाजिर देख चुकते थे उनके लिए दुनियावी आलाम कुछ नहीं थे। एक रवायत मौजूद है कि इमाम हुसैन के असहाब किस तरीके से बढ़ बढ़ कर तो जंग कर रहे थे ना, उनको तकलीफ क्यों नहीं हो रही थी। हदीस में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके लिए तमाम मामलात खोल दिए थे, वो अपने बरज़खी पर्दे हट चुके थे। यही वजह है कि जब उन पर तलवार की ज़र्ब भी पड़ रही थी तो चूँकि अल्लाह की नेमतों का मुशाहिदा कर रहे थे तो उनको तकलीफ नहीं हुई। और यही सबब है कि कुरान मजीद बार बार इसकी तरफ मुतवज्जे करता है, उस हकीकत को हम जान लें कि जो हमारे सामने हकीकत की सूरत में, और ये ख़त्म होने वाली ज़िंदगी उस कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी का मुकदमा है, जो इसे समझ गया वो हकीकत के लिए कामयाब हो जाएगा। अच्छा जी, इस वक्त थीसिस ये है आपसे, मैं ख़ास तौर पे चाहूँगा और साहब से भी कि फिलहाल वो कहते हैं कि यार लाइफ कम्स वंस, जो है गुजार लो। हमारे OTT चैनल्स पे भी वो कहते हैं नहीं, प्रो गॉड चीज़ छोड़े, बस ये इतनी है, इंतकाम लेना है इधर ही ले लो, ये अगला किसने देखा। फिर ये भी बंदा कहता है जी कबर अगे देख लेंगे, ये आपकी भी आता होगा बात में, हालांकि शायद इतना मानी उनका ये नहीं होता, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है। तो ये जो अब जो हम तालीम सुन रहे हैं उसमें तो अगर मद्देनजर है, और ये कोविड में देखा गया, जिन जिन्होंने जान मारी वो चले गए, जिन्होंने अपना आप सुपुर्द किया वो कायम रहे। आपने भी ऐसा कोई बातचीत हुई आपकी लोगों से? मैंने काफी अस्पताल में डॉक्टर से बातचीत होती रही। मेरे तो अपने घर से भी 3 लोग कोविड में ही वफात पा गए, मेरा जवान भतीजा भी, भाई भी और वालदा भी। तो हमने तो खैर मौत को भी आंखों से देखा है, महसूस भी किया, लेकिन बात यह है कि मैंने अपनी वालदा से हमेशा पूछती थी कि अम्मी हुजूर आपका सबसे ज़्यादा अच्छा दिन ज़िंदगी का कौन सा है, तो बड़े मज़े से कहती थी सबसे अच्छा दिन अभी कहाँ आया है, सबसे अच्छा दिन तो वो होगा जब मैं अपने रब से मिलूंगी। सुभान अल्लाह अकबर। तो मैं ये उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिला। तो मुझे ये चीज़ बहुत सारे मामलात में, बहुत ज़िंदगी में कई बार ये समझ में आई कि ये जो मौत है, ये जो ज़िंदगी है, ये मौत की अमानत है। बेशक। और ये जो मौत है ना, हम लोग इससे हम नहीं घबराते और नहीं घबराना भी नहीं चाहिए, हमें इसका इंतज़ार करना चाहिए। जैसे ये हमें दिन में कितनी बार याद करती है, हदीस शरीफ में आता है कि कब्र बंदे को 70 बार एक दिन में याद करती है कि तुम्हें मेरे पास आना है। और हम हैं कि हम इसे घबराते हैं,
और हमारे में और कुफार में, मुशरिकीन में अल्लाह ताला ने ये फ़र्क बताया कि उन्हें 1000 साल की भी ज़िंदगी दो तो भी वो तमन्ना करेंगे और जिएं, और मोमिन की ख्वाहिश होगी कि वो हमेशा हमेश की ज़िंदगी के लिए उस हस्ती के पास चला जाए और वो उसका इंतज़ार करेगा उससे मिलने का। तो मेरा ये ख्याल है कि असल में तो हमें उस वसल के इंतज़ार में ये हिजर है। तो अब इस हिजर को कैसे गुजारना है, वो जैसे कि बेहतरीन तैयारी होती है ना जी, दुल्हन की तैयारी होती है, जैसे हमें अपने किसी भी सबसे अजीज बंदे से मिलना है तो हमें एक वो होता है कि कैसे मिलना है, कैसे रहना है, और फिर अगर ये मालूम हो कि हमेशा वहीं रहना है तो फिर उसकी तैयारी जो है ना वो इन दिनों में है जो बड़े थोड़े से हैं, और उसके लिए फिर अगर ये जज्बा भी रख लिया जाए तो उस हमेशा की जिंदगी में जहाँ जाना है वहाँ सबसे महबूब हस्ती और वो दीदार भी करेगा। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। अच्छा जी, एक आपने जुमला सुना होगा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि फलां फलां साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, हम पढ़ते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसमें कितनी बड़ी एक खुशखबरी और खैर की बात है? वो ये कि वो जो कल तक सिर्फ हमें प्यारे थे वो अल्लाह को प्यारे, अब वो अल्लाह को प्यारे, क्या बात है और क्या सेफ्टी है। तो मुझे ये बताइए मुफ्ती साहब, ये जो उर्स है, अभी जैसे हम हजला रूसी कहते हैं, कार्ड्स पे छपा करता था वो, तो ये उर्स क्या होता है और ये क्या मिलाप होता है, जरा रोशनी डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उर्स दरअसल नाम है जिंदगी का, उर्स नाम है जिंदगी का। एक शाम शहर को निकला में दिल में कुछ अरमान थे, एक शाम शहर को निकला में दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी सब्ज झाड़ियाँ, एक तरफ टूटे कब्रिस्तान थे, पाँव तले एक हड्डी पड़ी जिसके ये बयान थे, संभल के चल ए चलने वाले कभी हम भी इंसान थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। ए इंसान, एक वक्त इंसान पर ऐसा भी था कि वो ज़िक्र करने के काबिल भी नहीं था, उसका नामो निशान भी नहीं था। आज से 40-50 साल पहले हमें कोई नहीं जानता था, हमारे वालदेन को 100 साल पहले कोई नहीं जानता था। कैसे कैसे शेर व ज़ग़म सल चल बसे, सब दिखा कर अपना दम में खुम चल बसे। तो असल ज़िंदगी है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी फरमाया कि असल ज़िंदगी है मौत के बाद की जी। उसकी वो है अल्लाह से मुलाकात की जी। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो अपने सबसे आखिरी, सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नती को अल्लाह ताला 6 नबियों वाली सिफ़ात से नवाजेंगे, 6 अंबिया वाली सिफ़ात से, जिसमें नंबर 1 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद, हर जन्नती का कद 60 हाथ लंबा, 120 फिट। दूसरा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुसन, हर जन्नती को अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुसन अता फरमाएंगे। तीसरे नंबर पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, अल्लाह ताला हर जन्नती को ये अता फरमाएंगे। चौथे नंबर पे अल्लाह ताला हर जन्नती को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी अता फरमाएंगे, 32-30 साल इतनी जवानी। और पाँचवें नंबर पे अल्लाह ताला हर जन्नती को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सुरीली आवाज़ वो अता फरमाएंगे, लहने दाऊदी, लहने दाऊद। और एक चीज़, और छठे नंबर पे अल्लाह ताला जन्नती को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आली अखलाक करीमा अता फरमाएंगे। और एक चीज़ जो अल्लाह ताला अपनी तरफ से हर जन्नती को अता फरमाएंगे वो होगी चाहत, जैसे अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो हो जाता है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम जो चाहते हो नहीं हो सकता, जो अल्लाह चाहे वो हो सकता है। तो ये जन्नती को अल्लाह ताला ये चाहत थोड़ी सी ये अता फरमाएंगे, तो ये उर्स सेलिब्रेट किया जाता है फिर जी। ये जी जी बिस्मिल्लाह। देखें, जब अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं, खुसूसन औलिया कामिलीन, तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफून अलैहिम वला हुम याहज़ुरून, कि ना गमगीन होंगे ना उन पर कोई खौफ है। तो वो जब उनसे सवाल जवाब हो गए और उसके बाद वो फरिश्ते जो कब्र में आए हैं
मुनकर नकीर की सूरत में वो उस शख्सियत को ये कहते हैं नम कनौमतिल उरूस, ऐसे सो जैसे दुल्हन सोती है। तो उर्स जो है वो, और ये दरअसल इससे जो है, कि वो तो मकबूलीन है तो उनको अल्लाह ताला जो है वो ये तो वो इसीलिए उनका हर साल उर्स मनाते हैं। तो उर्स कहते हैं शादी को, अल्लाह तो कहते हैं कि नम का नौमतिल उरूस, तो ये जो शादी मनाते हैं ये उनका विसाल नहीं होता कि ये दुनिया से रुखसत हो गए। तो कहते हैं मीम मौत नहीं आऊंगी आशिकानू, मीम मौत नहीं आती आशिकानू, सगु मौत नू आ जाऊं देनी कितना मुश्किल होता है आपके लिए भी या जिन लोगों से आप मिलते हैं बिलुमूम, आप काफी मफामत और सुलह सफाई कराते हैं, आई एम सॉरी कहना मुश्किल है ये? आपको मेरे मिजाज का पता है, बहुत ठंडा भी और बहुत गर्म भी। जी जी, जहाँ सॉरी की गुंजाइश होती है उसमें कोई शर्म और नहीं, नहीं आपका जाती तो अपनी जगह, नहीं नहीं, मैं वैसे बिल्कुल लोगों की बात कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूँ। देखे ना, जिसका आप बच्चा कत्ल कर देंगे वो आके के आई एम सॉरी, तो उसकी यही कहा जाएगा ना? नहीं, मैंने तो सर आप ये ऐसी सारे में मेरी अर्ज सुने, बात सिर्फ ये है कि आई एम सॉरी बिलुमूम गलती करने पे किया जाता है ना, तो मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि जो गलती कर लेते हैं क्या उनके लिए आसान होता है? सॉरी का इशू नहीं है, क्या हो गया बंदा? आपको लगता है माशरे में कोई इशू नहीं, सारे आराम से कर लेते हैं? सॉरी तो सब करते हैं। नहीं करते। मैं समझता हूँ सब करते हैं, मौत पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, चलते फिरते हम टकरा जाते एकदम सॉरी सॉरी सॉरी, वो आप तो तुमने तो बात ही पकड़ ली है, ऐसा निकला मेरी जुबान से। क्या मेरे कहने का मतलब है कि दिल में वो एक लगती है ना अना को ठेस पहुंचती है, जब बंदे ने आगे बढ़ना हो कि मैं आपसे माफी चाहता हूं, तो अब वो साहब बहुत बड़े हों और वो किसी भी शोबे से हों तो सौखा थोड़ी होता है कहना कि मैंने माफ कर दियो, या आपके लिए आसान है? नहीं, मेरे लिए तो आसान है, आसान तो इसको कोई इसको, और जो आपका मुशायदा लोगों का आपका ख्याल है, मैं आपको यूं मिसाल देता हूं नूर भाई, अक्सर हमारे पास एक आदमी मजलूम बन के आता है और हम उसके लिए लड़ रहे होते हैं, ठीक है, लड़ते लड़ते हम बहुत आगे चले जाते हैं और आखिर टाइम में अक्सर हमें पता चलता है कि हमारा बंदा गलत है। अच्छा जी, तो हम उससे पीछे हटते हैं और हम अगले से माजरत करते हैं कि हमें धोखा हुआ था। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई चाहिए तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, चाहिए इज फाइन, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि मिजाज में, आपने भी बरूज भाई बहुत ट्रेवल किया है और सारा आपको लगता है कटसी में आता है, आपने आप उस जनरेशन से भी आपने वो दोनों अपने भी देखा और दोनों को भी, Is it easy for everybody? जैसे हम कहते हैं have a good day, assalamualaikum, कैसे हैं आप, और इसी तरह माता तरह टोस्ट ठेकर लग गई कोई? पूरी, पूरी पूरी दुनिया में ये देखा गया है, जो मैंने देखा है जी, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कि बहुत हम्बल हैं लोग, ठीक, वो सॉरी कर देते हैं, ठीक भी जरा, हमारे खित्ते में बहुत मुश्किल से सॉरी की जाती है। अब मुश्किल से की जाती है जी सर, उसकी वजह यह है कि दिलों में गुंजाइश नहीं है। हम कुछ हालात और वाकयात ऐसे हुए हैं कि हम सब सेल्फिश हो गए हैं, हमें कल का नहीं पता कि कल क्या होगा हमारे साथ। तो आपको मतलब दिल तंग हो गए कुछ आधा की वजह? बिल्कुल दिल तंग है, आप ट्रैफिक का हाल देख लेना, रमजान में देख लें, मकसद है एक मिनट में एक दूसरे से लड़ने मरने पे तैयार है। अरे किसी को अगर गलती हो गई तो यार उसको माफ कर दो भाई, मैं आपको सच बता रहा हूं जो मैं देखता हूं भाई, सही बात, दिलों में गुंजाइश नहीं है क्योंकि इस कदर टेंस है हमारी आवाम कि हो सकता है मैं भी कभी झुंझला जाता हूं गाड़ी चलाते, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई जी। तो ये हमें गुंजाइश पैदा करनी है, अकोमोडेट करना है सबको, तो शायद नैया पार हो जाए हमारी। ठीक, वो दरअसल ये जो मैं सॉरी इसलिए भी कह रहा था कि जब आज की अब हम रात की बात कर रहे हैं और किसी भी पिछले पहर में कोई एक शख्स बैठता है और थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालता है और वो जैसे हमने आगाज़ किया था कि मेरी मैली दरिया धो दे, तो वो ये इकट्ठा कैसे करे बंदा ये एतराफ़ जो है, क्योंकि एतराफ़ के बाद सिलसिला फिर तौबा का तभी आता है, वंस यू एडमिट फिर आप आगे बढ़ते हैं। हकीकत ये है कि लोग जो है वो ये हुजूर ने फरमाया कि इन्ना मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाक, कि तुम में सबसे बेहतर वो है कि जिसका अखलाक बेहतर है, जिसके अखलाक बेहतर नहीं है, और हुजूर को कहा कि इन्ना का लाला खुलुक नज़ीर, कि आप
अखलाक के बेहतरीन दर्जात पे फाइज हैं। तो ये जो दर्जा है, आप यकीन करें कि हम जो है वो इसको समझते नहीं हैं। और हमारी बुनियादी तालीम जो है, हुजूर ने फरमाया कि वो इस तो उतम्मिमा मकारिम अल अखलाक, मुझे अखलाक आलिया की तकमील के लिए भेजा। अल्लाह सुभान अल्लाह। और वही हम में सबसे ज्यादा कम है, कमी है कि हम जो है वो उस खुल्क का मुजाहरा नहीं कर सकते। ये जो सॉरी कहना है, आप देखें कि वो कह देंगे नहीं वो तो गलती उसकी थी, मैं क्यों जो है उससे माफ़ी मांगूं। नहीं, बड़ा सवाल तो है जी, आप कुछ कह रहे थे। अबू जान एक चीज सिखाते थे, वो कहते थे कि आदम और इबलीस का बुनियादी फर्क यही है। आई एम सॉरी कही, उससे भी गलती हुई, उसने नाफरमानी का गुनाह किया तो वो लॉजिक ले आया, वो लॉजिक ले आया और वो अड़ गया। और उसने मतलब अगर वो भी तौबा कर लेता, शर्मिंदा हो जाता, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो सजदे में चले गए और रोने लगे और कहने लगे कि हो गई गलती, अब बता मनाऊं कैसे। मुझे जनाब मोहम्मद कबीर खान याद आ गए, बाबा जी इशफाक साहब का प्ले उन्होंने जब रिकॉर्ड किया मताए गुरूर, तो उसका एक सीन था कि वो कहने लगे मैंने एक साहब को देखा वो झील में पैर लटकाए, ऐसे घुटनों तक पानी डूबा है, बाल लंबे हैं, और मैंने कहा सर आप कौन, आप कौन, मैंने कहा मैं इबलीस, मैंने कहा सर आप, और देखा तो वो रो रहे, मैंने कहा सर आप रो रहे, आप रो रहे, तो उसने कहा मुझे माफी मांगने का सलीका नहीं आता। अल्लाह अकबर, अशफाक साहब का, अशफाक साहब का क्या बात, बताए गुरूर। अब मैं ये असल में आपसे बात ये कहना चाह रहा था कि बाज वक्त ये जो अना है और इसका जो बुत है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ता। बिल्कुल। और मैं आपको फैक्ट ये बात बताऊं, ये बुजुर्ग इस पर रोशनी डालेंगे, ये जितनी तकबीरें हैं नमाज के अंदर, ये आपका हैंड्स अप ही है। और ये इतराफ है कि वो सबसे बड़ा है, तो जब वो सबसे बड़ा है तो आप और हमारी क्या हैसियत है, इसको ही जानना है। और ये रात भी बेहतरीन रातों में से क्या, ऐसे ही हम कुछ जिक्र कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दामन जो है ऐसे तरह को अच्छा मलने वाले बैठे हो, ये कुछ सफाई कर दे, निचोड़ दे, अल्लाह बेहतरी फरमा दे। एक वक्त के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अकबर कबीरा। आप कभी ये सोचें कि हम किसी भी पहर में, किसी भी वक्त में अकेले जब भी बैठे हों तो वो ख्याल है कि वो एक ख़ुद एहतसाबी का लम्हा होता है। आप जब रात में सोते हैं, दिन की एक फ़िल्म सी चलती है सामने, ये ख्याल आता है मैंने क्या कहा, मुझसे कहा गया, और इसका हुक्म है कि इसको आप इसको करें, लेकिन फिर वो एक करवट ले लेता है बंदा कि नहीं चलो कोई नहीं फिर। तो वो ये इसीलिए, और ये हमने डॉक्टर साहब से भी सुना, मुफ्ती साहब से सुना, सारिम भाई का भी एक मौकफ है बड़ा उस पर वाजे, कि आप सुकून और आफियत तब पा सकते हैं जब रात को सोने से पहले आप सबको माफ़ करके सो। सुभान अल्लाह। उन मामलात में क्या होता है मुफ्ती साहब ऐसा करने से, और क्या फजीलत है इसकी, और प्लीज इसको भी क्लियर कर दें कि वो इज्जत जान माल और वो जो है उसके क्या है और कानून की क्या पासदारी, ये किस पर्सनल माफ़ी की बात हो रही है, वो भी ज़रा फरमा दीजिए। हज़रत माफ़ी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, फरमाया कुल्लु बनी आदम खताउन, तमाम बनी आदम गुनहगार हैं, व खैरुल खताईन तवाबून, और बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं, जो माफ़ी मांगने वाले हैं। तमाम इंसान गुनाहगार है, हर इंसान ख़ताकार है। अब इसमें गुनाह, फिर माफ़ी हमें अल्लाह से हर अपने गुनाहों की मांगनी चाहिए, लेकिन माफ़ी फिर दो तरह की होती है। एक मामलात के हवाले से फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अईदीकुम वयअफू अन कसीर, जो कुछ जो तुम्हें परेशानी आती है, तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, ये तुम्हारे अपने ही आमाल, अपने ही किए कराए की वजह से तुम्हें परेशानी आती है। और इसी तरह वयाफू अन कसीर, अल्लाह ने फरमाया अक्सर तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। फिर इसी तरह हदीस में है, जैसे एक इंसान है, बच्चा है, कुल्लु मौलूदी यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर नौ मौलूद बच्चा
फितरत इस्लाम पर पैदा होता है कि उसका कोई गुनाह नहीं होता, बच्चे का क्या गुनाह होता है, क्या कुछ भी नहीं। वकान अबवाहू युहविदानही व युनस्सिरानही, उसके वालिदैन उसको या मजूसी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं। तो इसी तरह इंसान भी एक बच्चा है, अब वो इंसान बड़ा होता है, फिर उससे गुनाह गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियों के लिए फिर अल्लाह ने फरमाया आप माफ़ी मांगें। वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, ए मेरे बंदे तू मुझसे मांग तो सही, ये ताकरात है, उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांग तो सही, मैं तेरी पुकार ज़रूर सुनूंगा, अस्तजिब लकुम, ज़रूर कबूल करूँगा, तू मांग, तू मांगता क्यों नहीं। इसी पे एक वाक़या मुझे याद आया, बनी इसराइल में तफसीर बेज़ावी शरीफ में वाक़या नकल है कि बनी इसराइल में एक शख्स था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, एक बनी इसराइल में शख्स था, बहुत उसके पास माल दौलत थी और जाहो जलाल था, अपने इलाके का बड़ा सरदार था, औलाद भी कसीर, माल भी कसीर, और ज़िंदगी की शाम हो गई, आँखों से क़ुव्वत बीनाई चली गई, कानों से क़ुव्वत समाअत चली गई, और क़ुव्वत गोयाई से भी महरूम हो गया, उज़्वे शल हो गए, लाठी ने सहारा पकड़ लिया, अब इसकी औलाद ने भी इसको घर से निकाल दिया, तरह तरह की बीमारियों ने इसको जकड़ लिया, उम्र इसकी बीत गई, अब बुढ़ापे को पहुंच गया, अब उन्हीं गलियों में घर से बाहर निकल रहा है, तो पहले जहां इसको सलाम सलाम लोग कहा करते थे, आज कोई पूछने वाला नहीं। ये रास्ते में जा रहा है जंगल में, एक जगह रास्ते में जंगल में, वहाँ एक इलाके में इसके दिल में ख़्याल आता है, यहाँ मैं सो जाऊँ, सोते सोते आसमान को देखता है, देखते ही इसके दिल में फिर ख़्याल आता है, काश मैं कोई अल्लाह को एक सजदा ही कर दूँ, वो फिर सजदा रेज हो जाता है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मेरे बूढ़े बंदे के 80 साल के गुनाह मैंने एक पल के अंदर माफ़ कर दिए, कि इसने एक सजदा किया था 80 साल के अंदर। वो अल्लाह बहुत बड़ा गफूर और रहीम है, हम अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह से अपनी बख्शिश मांगें, हम मांगने वाले बन जाए, मांगने वाले बन जाए। डॉक्टर साहब, क्या चीज़ रोकती है बंदे को, क्या उसको लगता है मैं बहुत ज़्यादा खताकार हूँ, मैं बहुत गलतियां, कैसे वो मुझे माफ कर, क्या चीज रोकती है या डकती है बंदे को? अगर वही बात है जो आप सोच रहे हैं कि वो ये सोच रहा है कि मैं बहुत खताकार हूं, तो इसका मतलब है उसे रब पे भरोसा नहीं, ये भी उसके प्यार पे भरोसा नहीं, और मायूसी गुनाह मायूसी है। देखिए एक वाकया जो वो भी अहदीस में है कि एक आदमी ने 99 कत्ल किए थे और उसके बाद उसका जी चाह कि वो तौबा कर ले, तो वो किसी आबिद के पास जाता है और उसको बताता है कि मैं 99 कत्ल करके आया हूँ, मेरी तौबा कबूल होगी? तो सारिम भाई जैसा बंदा बैठा था, गुस्से में था, कहने लगा हरगिज नहीं, इतने कत्ल कर लिए, अब कोई तौबा नहीं है। उसको गुस्सा आया, उसने उसका भी गर्दन मार दी, अच्छा सौवां कत्ल कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद उसको ख्याल आया कि ये मैंने क्या किया, तो किसी ने उसे एक आलिम के पास भेजा कि फला मोहल्ले में एक आलिम रहता है, जाओ उससे बात करो। जब आलिम के पास गया तो उसने कहा कि अल्लाह ताला के पास लौटने के लिए हर वक्त जो है मुनासिब है, तुम जाओ, और लेकिन एक शर्त है, एक तो अपना माहौल बदलो, ये जगह छोड़ो, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, सच्चे दिल से तौबा करो। उसने कहा मैं अब यही करूँगा। अब घर गया, सामान वगैरह पैक किया, घर से निकला ही था कि उसकी जान चली गई। फरिश्ते कहने लगे, जो नेकी के फरिश्ते थे, कि ये हमारी तरफ चल पड़ा था, ये हमारा है, और बुराई के कहने लगे कि अभी तो पहुंचा नहीं था अपने मकाम पर और इतना गुनहगार भी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को समेट दिया और फरमाया कि इसका रास्ता मेरी तरफ शुरू हो चुका था। बात यह है कि कुरान में शैतान जब अल्लाह को चैलेंज करता है ना नूर भाई, जी जी, तो वो ये कहता है कि मैं इन्हें बहकाऊंगा, ये तुझसे बदगुमान होंगे, तेरी खिलकत में चेंज लाएंगे, तेरे शुक्रगुजार नहीं होंगे, और तू मुझे कयामत तक इस बात की मोहलत दे दे कि मैं इनको बहकाऊं। ठीक। अल्लाह ताला ने उसकी ये दुआ कबूल फरमा ली। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम रोने लगे कि या रब, अगर ये कयामत तक बहकाएगा जिसने मुझे जन्नत में बहका दिया, और जबकि मैं तो तुझसे मिल भी चुका था, मेरे बच्चे तो अब जमीन पर होंगे सब, तो अब क्या होगा?
आपने इसकी दुआ कबूल फरमा ली तो अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आदम तुम मत रो मत घबराओ, मैं तुम्हारी पूरी आल औलाद को उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला रखूंगा जब तक उनकी जान हुलकूम तक ना आ जाए। अगर मैंने उसको बहकाने की मोहलत दी है तो वहाँ इनके लिए तौबा के दरवाजे उस वक्त तक खुले हैं जब तक रूह निकल ना जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, कब तक तौबा का दरवाजा खुला है? बाजा बाजा तू बादशाह हस्ती बाजा आपको कहते हैं, और आप भी फरमाइएगा जी। बाजा बाजा हर आंचे कर दी बाजा, दरगाह माँ दरगाह नौमीदी नी, सत बार अगर तौबा शिकस्ती कि 100 मरतबा भी तौबा करके तुमने तोड़ दी है तो फिर भी बाद। उसमें कुरान करीम में हजरत सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा उम्मीद अफजा आयत कौन सी जी, तो आपने फरमाया कि कुल या इबादिय्यल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम, कि महबूब आप मेरे बंदों से ये फरमा दें कुल या इबादिय्यल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम, उन्होंने अगर कुछ ज्यादती कर ली है अपनी जान पर। अल्लाह, और ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस अल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ करने पर क़ादिर है, इन्नहु हुवल ग़फूरुर रहीम, मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला। सर कितनी खुशी होती है अल्लाह ताला को जब बंदा लौट आता है कहीं से, जब इस ब्रिज को अपनी अना को रोलता हुआ आता है और आंसू भी रोल देता है सामने, कितना खुश होता है अल्लाह की ज़ात, कितनी खुश होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जो अल्लाह साहब ने आयत पढ़ी उसी आयत से इस्तेफादा करता हूँ। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम, गुनाहगारों को भी अल्लाह ने अपना ही बंदा कहा है। यह हमारा अजीज अगर पकड़ा जाए तो हम कहते हैं दूर का है, ठीक है दूर परे का। अल्लाह कह रहा है ये जो गुनाहों से आलूदा है, हैं तो मेरे, ठीक। एक दुआ का फिक्रा इलाही बेमन अलूद व सिवाक, अल्लाह तेरे अलावा किसके पास जाऊँ। इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं अल्लाह का तेरा दरवाज़ा सिर्फ सालिहीन के लिए होता तो गुनाहगार कहाँ जाते हैं। उसकी करीमी है, उसकी एक सिफत है या करीमत सफ, ऐसा परवरदिगार जो बुराई को मिटाकर उसका तस्किरा भी नहीं करता फिर दोबारा, भुला देता है जिसके लिए खुद भूलना नहीं है, उस बुराई को ऐसे कर देता है जैसे है नहीं। हदीस में अत्ताइब मिन ज़म्बे कमन ला ज़म्बल हो, जो गुनाह से ताइब हो गया वो ऐसा जैसे गुनाह किया ही नहीं। एक हदीस में कि जब कोई बंदा तोबा करके अल्लाह की बारगाह में लौट कर आता है तो अल्लाह मलाइका पे फख्र मुबाहत करता है, खुशी का इजहार फरमाता है। मलाइका पूछते परवरदिगार आज तेरी खुशी का सबब क्या है, आवाज़ आती है मेरा फला बंदा जो मुझसे दूर चले गया था गुनाह कर कर वो तोबा करके मेरे करीब आ गया। अल्लाह ऐसे खुश होता है जैसे कोई गुमी हुई चीज़ के मिल जाने पर खुश होता है। याद रखिए माफ़ी के दो बहुत वाज़ेह बातें, जराइम के बाद में जब बात आती है उसमें भी ये कुरान ने रूल दिया है। कुरान का रूल ये है कि अगर तुम्हें इंसाफ हम दे रहे हैं कि जैसे सारे भाई ने बात की उसको यूं हम मीज़ान में लेकर चलें, तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि तुम चाहे तो उसके बदले उन्फ के बदले उन्फ, नफ्स के बदले नफ्स, फरमाया इससे आगे बढ़कर, ये तो दुनिया का कायदा है ना, इस्लाम क्यों आफाकी मजहब है, फरमाया अगर तुम माफ कर दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ऑप्शन दिया है, हुक्म नहीं है, तुम्हें ऑप्शन चूज एंड चॉइस दे दिया है। राइट्स यूं दिए कि तुम्हारा दिल अगर जला हुआ है, गन पॉइंट नहीं है जी, वो लालच नहीं है, और अगर कोई माफ कर भी रहा है तो हमें उसको मतून नहीं करना तुमने से माफ क्यों किया। अब वो वाली जो बात है जो आयत ऑफ कैमरा सारे में पढ़ रहे थे वलकुम फिल क़िसास हयात, वो तो एक अजीब और गरीब आयत है। उस आयत को आज अगर लोग समझ जाए तो मुआशरे में जराइम का रेशो खत्म हो जाए। एक मुजरिम को जब आप जुर्म साबित होने के बाद जब मारेंगे तो उसके खौफ से दीगर के दिल में खौफ बैठेगा। इसमें तय है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो अहकाम बयान फरमाए वो अपने मुकाम पर अपने अपने स्लॉट्स के अंदर मौजूद हैं। उनके एक सरकमटान से हमें ये चाहिए कि हम उमूमी मामलात में, मुझसे इनको कोई बात ऐसी लगी मैं फौरन माफ़ी कह दूँ, उनको लगे मैं कह दूँ, लेकिन जहाँ तक बात आती है मफाद आम्मा की जिस पर मुआशरा डिपेंड करता है, कत्ल आम है, इस पर कतन माफ़ी की बात नहीं। अच्छा ये एक बात वो पॉइंट और मैं चाहता हूँ वो सामने आए, वो कहते हैं आपकी सारी गुफ्तगू से लोग शेयर हो जाते हैं और आबादा हो जाते हैं कि हमें तो माफ़ी मिल जानी है। इस पर आप प्लीज़ अपना मैं देता हूँ। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी एक बहुत बड़े आलिम दीन है बुजुर्ग, उन्होंने एक अजीब जुमला लिखा, उन्होंने कहा जब ये रवायात पढ़ी जाती है ना शिफात वाली, हुजूर ने फरमाया असखर तो शफाती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैंने अपनी शिफात को उम्मत के बड़े बड़े गुनाह करने वालों के लिए जखीरा कर रखा है। अभी आपने जो सवाल किया मैं उसी को जरा कर नाउज बिल्ला के लम्हे के लिए यहाँ लाऊं, यानी नाउज बिल्ला आप क्या कहना चाह रहे हैं कि फिर हुजूर गुनाहगारों को नाउज बिल्ला नकल कुफर कुफर नबाशत शह दे रहे हैं? शह नहीं दे रहे, बात जाएगी रब तक। अल्लाह कह रहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, जो चाहे कर लो माफ़ कर दूंगा। तो जब वो शय देना नहीं है ये एक गोया के ग्रीन सिग्नल है कि तुम चले मत जाओ अलाकर की तरफ, अब भी आ जाओ अल्लाह की चादर रहमत बहुत। हदीस में हुजूर ने बनी इसराइल के जो वाक़यात बताए
तो कहा कि एक मरतबा कहत पड़ा हज़रत मूसा अला नबीना वाले सलातुस्सलाम के ज़माने में, और आपने कहा कि दुआ इस्तिस्का के लिए कि बारिश की बरसात के लिए हम दुआ के लिए मुज्तमा हुए, पूरी कौम जमा हो गई। अल्लाह ताला ने वही भेजी हज़रत मूसा अलैहि सलाम पर कि तो आपके इस मजमे में एक शख्स ऐसा है कि जिसने बेशुमार गुनाह किए हुए हैं, हम इस शख्स की वजह से जो है बारिश को रोके हुए हैं, ये जब तक इस मजमे से नहीं जाएगा हम जो है बारिश नहीं बरसाएंगे। अब वो शख्स मुख्तलिफ गुनाह उसके गिनाए, तो उसने वो दिल में देखा कि साहब मैं अगर इस मजमे से निकल कर जाता हूँ तो फिर सारी दुनिया पर जो आश्कारा हो जाएगा कि ये शख्स है, मेरे तो खानदान से लोग जो है वो नफरत करने लगेंगे। उसने दिल ही में अल्लाह ताला से रुजू किया, कहा परवरदिगार हाँ मेरा पर्दा रख ले, मुझे जो है रुस्वा न फरमा। परवरदिगार आलम ने उसी वक्त अभी कोई शख्स गया नहीं मजमे से, बारिश बरस शुरू हो गई। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि साहब ये आपने फरमाया था कोई जाएगा नहीं, कहा कि जिसकी वजह से रोकी थी उसी की वजह से। मुझे इससे ये बात भी याद आ गई, शाख साहब कई तहरीर में लिखते कि हमारे इलाके में बारिश नहीं हो रही थी तो हम सारे चले गए, और वो उन्होंने कहा कि बारिश तो मौलवी साहब जब जमात कराने लगे पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने कहा छतरियाँ कहाँ हैं, उन्होंने कहा जी छतरियाँ, उन्होंने कहा दुआ करने आया तो छतरियाँ ही नहीं पास, तो छतरियाँ तो लेके आओ पहले। तो उन्होंने कहा वो हम तो पढ़े लिखे थे और हमारे अब्बा जी हम तो नहीं गए, तो फिर हम वापसी में भीगते हुए गए क्योंकि बाकी छतरियाँ ले आए थे। तो वो यकीन तो फिर इस तरह का होता है खातिर रज़ा। और अब हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, और फेरोज भाई बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया तो आपका और सारे जबरदस्त बुजुर्ग और समा का शुक्रिया। वो कह रहे हैं आपने फसी एक साथ बैठा था लेकिन आपकी फैमिली कमिटमेंट है आपको जाना, लेकिन फसी हमारे दिल में, ऐसी ऐसी हमारे भी दिल में। आप जनाब खुलासा कुरान प्रोग्राम भी आप मुलाहिजा करेंगे, मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब के साथ उनका शुक्रिया भी बहुत अदा करना है, उन रिकॉर्डिंग्स का बड़ी कीमती रिकॉर्डिंग्स है। अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमाए और हमें हिम्मत और इस्तकामत दे, और आपको भी जब कोई कैफियत हुजूरी की हो पाकिस्तान के लिए, फलस्तीन के लिए, सारे जितने मजलूमीन हैं उनके लिए दुआ करें, और जालिम पर सबसे बड़ा एहसान यही हो सकता है कि उसको जुल्म से रोक दिया जाए। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 30 का मुख्तसर तरीन खुलासा ये है कि शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुन नबा का तज़करा फरमाया, एक बड़ी ख़बर, इस बड़ी ख़बर से मुराद क़यामत का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की खुली निशानियों का तज़करा फरमाया, जिन नेमतों और निशानियों को ख़ुद ये कुफार भी मानते थे मगर क़यामत के दिन के मुनकर थे। तो अल्लाह ने फरमाया जो ये नेमतें बनाने पर क़ादिर है वो बादल मौत ज़िंदा करने पर भी क़ादिर है। इसके बाद सूरह नाज़िआत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई क्या कस्में खाईं, फरिश्तों की कस्में खाईं कि काफ़रों की रूहें जो सख्ती से निकालने वाले फरिश्ते हैं, मोमिनों की रूहें जो नरमी से निकालने वाले फरिश्ते हैं, अल्लाह की तरफ से फिर उन रूहों का इंतज़ाम कर दिया जाता है। ये कस्में खा कर उन्हीं फरिश्तों के ज़रिए सूर फुकवाए जाने का तस्करा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा करके ये फरमाया कि इन कस्मों के बाद इंसान को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। तीसरे नंबर पर सूरह अबस, अबस कहते हैं नाखुश होना। दरअसल इस सूरह की इब्तदाई आयात का मुख्तसर तरीन पस मंज़र ये है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी सरदारों को दावत दे रहे थे कि इस दौरान में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, जो नाबीना थे। नबी को इस मौके पर इनका आना यूँ पसंद ना आया कि इस वक्त मैं दावत के अंदर, तबलीग के मिशन और काज के अंदर मसरूफ़ हूँ। लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका आना पसंद नहीं हुआ, लेकिन ये चूंकि मुखलिस थे लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात ज़ाहिर फरमाई कि हमारी पसंदीदा बात यही है कि ये जो मुखलिस आए इन्हीं की कदर होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अपनी पसंदीदगी का इजहार फरमाया।
पता चला कि मुखलिस की कदर होनी चाहिए। इखलास वाला हिदायत का चिराग होता है। हर दौर के अंदर हम में से हर एक को इखलास वाले की कदर करनी चाहिए। उसके बाद सूरह तकवीर, तकवीर का माना होता है लपेटना। क़यामत में सूरज को लपेट दिया जाएगा, क़यामत के हालात व वाक़यात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाया। उसके बाद सूरह इन्फ़ितार का तज़किरा फरमा कर आख़रत की मंज़र कशी और अक़ीदा आख़रत को बयान किया। इसके बाद सूरह मुतफ़िफ़ीन के अंदर नाप तोल में कमी और हुकूक़ुल इबाद के अंदर हक़ तलफ़ी करने वालों का ख़ास तौर पर तज़किरा कि ये अपना हक़ तो पूरा वसूल करते हैं मगर देते वक़्त कमी बेशी करते हैं। उसके बाद सूरह इन्शिक़ाक़ का तज़किरा करके क़यामत के हालात व वाक़यात का ज़िक्र फरमाया कि जमीन में जो कुछ है वो जमीन बाहर निकाल देगी। इसके बाद सूरह बुरूज का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तज़किरा फरमाया, वस्समा इदातिल बुरूज, कसमें खा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असहाबी उखदूद की तरफ इशारा फरमाया। उसके बाद सूरह तारिक का जिक्र फरमाया, तारिक का माना होता है रात को आने वाला। कसमें खा करके फरमाया कि इंसान पर एक निगरान फरिश्ता मुकर्रर है जो उसके आमाल को लिखता और उसकी हिफाजत करता है। इसके बाद सूरह आला का तज़किरा फरमाया, अल्लाह की तस्बीह, खास अंदाज से अल्लाह ने इंसान को बनाया, अल्लाह के नाम की तस्बीह बयान करो। कुरान की हक्कानियत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया और ये कि आप जल्दी ना करें, हम आपको पढ़ाएंगे और आप भूलेंगे नहीं। जिसने अपना तज़किया किया वो कामयाब हो गया। सूरह आला का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तिताम इस तरह से फरमाया। फिर सूरह गाशिया का तज़किरा फरमाया, छा जाने वाली। अब ये छा जाने वाले से मुराद क़यामत का दिन, क़यामत का तज़किरा इसमें फरमाया। फिर मुशरिकीन को समझाने के लिए चार चीज़ों का तज़किरा फरमाया। ऊँट को देखो अल्लाह ने कैसी ज़बरदस्त तख़लीक़ फरमाई, आसमान ज़मीन पहाड़ का तज़किरा। इन जिक्र, इस सारे तज़किरे के बाद अल्लाह वादौला शरीक लहू की वहदानियत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दलाइल कायम फरमाए। और फिर पैगंबर का फरीज़ा कि इनका फरीज़ा सिर्फ तबलीग है, ज़बरदस्ती मनवाना हरगिज़ नहीं है। इसके बाद सूरह फजर का आगाज़ होता है कस्में खाकर। ज़िलहज्जा की 10 रातों की कस्में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाई, 9 और 10 ज़िलहज्जा की कस्म खाई। और कस्में खाने के बाद अच्छे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव और बुरों के साथ बुरे बर्ताव का तज़किरा करते हुए फरमाया। इरम कौम समूद, कौम फिरौन और उनकी तबाही का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाया। फिर उसके बाद सूरह बलद का तज़किरा फरमाया, शहर मक्का की कसम खा करके बयान फरमाया, आप इस शहर के अंदर मुकीम है। दरअसल मक्का पहले से भी हुरमत वाला था, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से उसकी हुरमत और अजमत में और इजाफा हो गया। उसके बाद सूरह शम्स के आगाज़ में अल्लाह ने 11 कस्में खा करके फरमाया कि इंसानी ज़ात के अंदर अल्लाह ने गुनाह का भी तकाजा रखा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी ज़ात के अंदर अपने गुनाह को कंट्रोल करने का भी मादा रखा है। उसके बाद सूरह लैल में कस्में खाकर अल्लाह ने नेकी और बदी के नतीजे को बयान फरमाया कि जिसने अल्लाह के रास्ते में माल दिया, तकवा तैयार किया और अच्छी बात को दिल से माना, ये कामयाब हुआ। और जो आदमी बखील हुआ, जिसने अल्लाह की बात को झुठलाया, वो नाकाम हुआ। और जो अल्लाह की राह के अंदर खर्च करता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह की रज़ा को मकसूद बनाता है, वो जहन्नम से बहुत दूर होगा। ये आखिरी सिफात हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला की शान के अंदर नाजिल हुई है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल क़द्र का तज़किरा फरमाया, ऐसी रात जो हज़ार महीनों से अफजल है। लोहे महफूज से आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान करीम को उतारा और फिर इसकी फजीलत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। इसके बाद सूरतुल बय्यिनह का आगाज़ होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन की नाकामी का तज़किरा फरमाने के बाद फरमाया कि यहूद व नसारा दलाइल को देखने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए, लिहाजा ये नाकाम होंगे। उसके बाद सूरतुज़िलज़ाल में अल्लाह ने क़यामत की हौलनाकी का तज़किरा फरमाया कि ज़मीन सब कुछ निकाल देगी जो कुछ उसके अंदर है। और एक मौका आएगा कि इंसान ये कह उठेगा कि माल की खातिर जो मैंने गुनाह किया था वो माल ये पड़ा हुआ है। वो उस माल को देख करके कहेगा ये है वो माल जिसकी वजह से मैंने गुनाह किए। छोटी सी छोटी बुराई और नेकी को भी आज क़यामत के दिन वो देखेगा। इसके बाद सूरतुल आदियात के अंदर घोड़ों की कस्में खा कर अल्लाह ने ये समझाया कि देखो घोड़ा अपनी जान को ख़तरे में डालकर भी मालिक की हिफाजत करता है। एक इंसान है मालिक का खाता है मगर अल्लाह की नहीं मानता, ना शुक्री करता है। इसके बाद सूरतुल क़ारिया, क़ारिया के अंदर अल्लाह ने क़यामत की हौलनाकी का तज़किरा करके ये फरमाया जिनके नेक आमाल वज़नी होंगे उनका आमाल नामा वजनी होगा और जिनके आमाल क़यामत वाले दिन हल्के होंगे तो आमाल नामा हल्का,
लेकिन साथ में अल्लाह ने यह भी उसूल बयान फरमा दिया, कयामत के दिन आमाल की गिनती नहीं होगी, तोल और वजन होगा। गोया आमाल में वजन पैदा करना चाहिए जो खुलूस इखलास के जरिए से ही पैदा होता है। उसके बाद सूरत तकासुर में माल की मोहब्बत तुम्हें गफलत में ना डाल दे, नेमतों का शुक्र अदा करो, कयामत के दिन सवाल जवाब होगा, नेमतों का हिसाब होगा। यह तज़किरा अल्लाह ने सूरत तकासुर में फरमाया। उसके बाद सूरह असर के अंदर अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया, जिसके ईमान आमाल सालिहा यानी अकाइद व आमाल दुरुस्त होंगे, दावत के अंदर अगर मुश्किल हो और वो खंदा पेशानी से काम लेगा, वो लोग कामयाब होंगे, उसके अलावा के इंसान नाकाम। उसके बाद सूरतुल हुमजा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फलां फलां लोग हलाक। अब वो कौन कौन से लोग हलाक हैं? माल को जो गिन गिन कर रखते हैं, बुखल से काम लेते हैं, चुगली खाते हैं, ऐब निकालते हैं, मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को ताने देते हैं, ऐसे लोगों के आमाल बर्बाद होंगे। इसके बाद सूरतुल फील के अंदर अल्लाह ने अब्रहा वाला मशहूर वाकया नकल करने के बाद ये सबक और पैगाम दे दिया, अल्लाह के दीन को मत मिटाओ वरना खुद मिट जाओगे। जैसा कि अब्रहा का लश्कर काबे को गिराने के लिए आया था, मगर अल्लाह ने अबाबीलों के जरिए छोटी छोटी कंकरियों से उनको खत्म फरमा दिया, तो तुम भी खुदा के दीन को कभी मिटाने के दर पे ना होना। इसके बाद सूरतुल कुरैश में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकायदा तौर पर नेमतों का तज़किरा फरमाया कि भूख की जगह पर इनको रिज़्क़ और खुराक अता की है, खौफ की जगह पर अमन अता किया है। तो जिस रब ने इनको रिज़्क़ दिया, उस रब की, उस काबे के रब की इनको इबादत भी करनी चाहिए। सूरतुल कुरैश के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल माउन का तस्करा फरमाया, और सूरतुल माउन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरतने की चीज़ों से मना करने की मजम्मत का भी बयान फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यतीम के हुकूक का भी तस्करा फरमाया। इसके बाद सूरतुल कौसर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए इनाम और हौज़े कौसर का तस्करा फरमाकर, आपके दुश्मनों और मुखालिफों का अंजाम बद होगा, उनका नसब ख़त्म हो जाएगा, उसका तस्करा फरमाया। इसके बाद सूरतुल काफिरून हद फासिल है ईमान वालों के दरमियान और काफिरों के दरमियान। इसके बाद सूरह नसर के अंदर अल्लाह ने अपनी मदद के आने का, लोगों के फौज दर फौज इस्लाम के दायरे में दाखिल होने का तस्करा फरमाकर इस बात की तरफ इशारा कर दिया, गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद पूरा हो गया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तब्बत यदा अबी लहबी वतब सूरह लहब का तस्करा, उसके बाद सूरह इखलास में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौहीद का तस्करा फरमाया। आखिरी दो सूरतों फलक और नास के बारे में ये बात जहन के अंदर रखनी चाहिए, इन दोनों का हासिल और ख़ुलासा ये है कि इंसान को चाहिए जिन्नात से भी और शरीर इंसानों से भी पनाह तलब करे और अल्लाह की पनाह में आ जाए। अगर किसी इंसान को जादू से बचना है अल्लाह की पनाह, और वसवसों से बचना है तो भी अल्लाह की पनाह लेनी होगी। याद रखिए सूरह फातिहा के अंदर कुरान करीम का जो आगाज हो रहा था उसमें दो चीज़ें मांगी गई थी, अल्लाह की मदद और नुसरत और सिरात मुस्तकीम। और फलक और नास के अंदर गोया इस बात की तरफ इशारा कि जब अल्लाह की मदद आ गई तो तुम गालिब हो गए, मगर अब दुनियावी मामलात भी हैं, दीनी मामलात भी हैं। दुनियावी मामलात के अंदर मखलूकात के शर से और उनके फितनों से तुम अल्लाह की पनाह में आ जाओ, और दीनी मामलात में वसवसा डालने वालों के वसवसों तवहमात से भी पनाह तलब करके अल्लाह की पनाह के अंदर आ जाओ। जब तुम दुनियावी मामलात में फितनों से बचोगे तो तुम्हारी दुनिया ठीक हो जाएगी, और जब तुम दीनी मामलात में वसवसों से बचोगे तो तुम्हारी आखरत संवर जाएगी। गोया कि ये दो सूरतें दुनिया और आखरत को संवारने के लिए कलीद और बुनियादी नुस्खे का, किले और हिसार का काम देती हैं। इसी वजह से हजरत औलिया कराम ने फरमाया कि इंसान को जादू, सहर, टोने और आसपास की मखलूकात के शर से बचने के लिए इन दो सूरतों की तिलावतों का खुद भी और औलाद के ज़रिए भी एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह कुरान करीम को पढ़ने, इसका सही फहम और इस पर अमल की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपसे भी और सबसे और वहाँ साहब आपसे, हमारे पास 8 मिनट है और ये पिछला पहर है रात का और ताक रात है, और
टेलीविजन की प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम के अख्ताम पे जरूरी नहीं कि दुआ हो, दुआ की मुझे लगता है इससे बेहतर कैफियत कौन सी हो सकती है। आप हाथ उठाइए और हम सब मिल के दुआ करें इस पहर में। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المختلف الملوان وتعاقب الأسنان وكرر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الأخيار يا عزيز يا غفار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، خصوصاً زبیدہ خاتون، عائشہ بی اور زہرہ بانو کے لیے دعاؤں کی درخواستیں ہیں، ریحانہ بی بی کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. پروردگار عالم جتنے حاضرین ناظرین ہیں پر ان کے جو متعلقین بیمار ہیں ان سب کو بھی صحت عاجلہ اور کامل عطا فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ان ناجائز مقدمات سے باعزت بری فرما. پروردگار مملکت خدادات پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. پروردگار اس کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما. پروردگار مملکت خدادات پاکستان کے رہنے والوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد کی برکتوں کا نزول فرما. اس ملک کے دریاؤں کو روانی، کھیتوں کو سرسبزی اور شادابی، اور معیشت کو مضبوط اور مستحکم فرما. ہمیں قرض لینے والا نہیں قرض دینے والا ملک بنا دے. پروردگار غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما. پروردگار جو شہداء ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. مسلمانان عالم کو ایک مرکز پر جمع ہو کر غزہ کے مسلمانوں اور فلسطین کے آزادی کے جو کارکن ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. کشمیر کو پروردگار عالم آزادی عطا فرما. پروردگار بھارت کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. پروردگار جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ایریٹریا میں، قبرص میں، فلسطین میں، بھارت میں، کشمیر میں، افغانستان میں، ان سب کی غیب سے امداد فرما. پروردگار اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کشادہ فرما. ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما. پروردگار ہماری کوتاہیوں کو، برائیوں کو، بد اخلاقیوں کو نہ دیکھ. حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستگی کو دیکھتے ہوئے ہم پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کے دروازوں کو کشادہ فرما. پروردگار جو جہاں جہاں نا اتفاقی ہے، جو بھائی بہنیں آپس میں نا اتفاقی کا شکار ہیں، پروردگار عالم ان میں اتفاق اور اتحاد کی برکتوں کا نزول فرما. پروردگار یہ وہ لمحات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج آخری شب، چونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آخری شب جو رمضان المبارک کی ہے، جتنے سارے رمضان میں پروردگار عالم لوگوں کو معافی عطا فرماتا ہے، اس ایک رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے سارے جو گناہگار بخشے ہوئے ہیں ان کو پروردگار عالم صرف ایک رات میں جو ہے وہ مجتمع کر کے ان کو آزادی عطا فرماتا ہے. پروردگار اتقم من النار ہے، قصر یہ عشرہ ہے، اور اس اتقم من النار کے عشرے میں ہمیں دوزخ سے رہائی عطا فرما. پروردگار عالم ہم کو جو ہے وہ پروردگار جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کو اپنے جوار رحمت پہ جگہ عطا فرما. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بہرمند فرما. پروردگار مملکت خدادات پاکستان کے بنانے میں جن جن لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، اور پروردگار وہ گمنام شہید جو
कि इसी आखिरी अशरे में हमने यौम पाकिस्तान को भी जो है वो याद रखा। परवरदिगार जो गुमनाम शहीद पाकिस्तान बनने को उन्होंने देख भी नहीं सके और वो दुनिया से रुखसत हो गए, परवरदिगार उन सब की कब्रों पर अपनी अनवार की बारिशें फरमा। परवरदिगार आलम हम पर अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाज़ों को कुशादा फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ मुसलमान आपस में किसी तरह से इख्तलाफात का शिकार हैं उनके उन इख्तलाफात को दूर फरमा कर मुसलमान आलम को एक मरकज़ पर जमा होने की तौफीक अदा फरमा। परवरदिगार आलम हम पर अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाज़ों को कुशादा फरमा। परवरदिगार जितने नाज़रीन हैं और जितने हाज़रीन हैं परवरदिगार इनके अगर वालिदैन में दोनों या एक कोई बकायदे हयात है तो ये दुआ का दरवाज़ा है। परवरदिगार इस दुआ के दरवाज़े को सलामत रख। परवरदिगार अगर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा और शफाअत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उनको बहरमंद फरमा। परवरदिगार नूर भाई ने जिस तरह इस महफिल को सजाया और ये 29 रातें इन्होंने जाग कर गुजारी और तेरी बारगाह में कोशिश की कि तेरा पैगाम तेरी उम्मा मखलूक तक पहुँचाएँ, परवरदिगार आलम इनकी सही को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। परवरदिगार ये समा चैनल के जितने भी कारपरदाज हैं जो ऑन कैमरा थे जो ऑफ दी कैमरा थे, परवरदिगार आलम इन सब की भी जायज़ मुरादों को बढ़ा। परवरदिगार जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा हम उन सब के लिए भी दुआगो हैं ट्रांसमिशन में जो पेश कर रहे हैं। परवरदिगार आलम उनकी तमाम जायज़ और अपनी बारगाह में उनकी तमाम दरख्वास्तों को परवरदिगार कबूलियत का दर्जा अता फरमा। परवरदिगार जो उलमा यहाँ शरीक होकर चले गए या जितने शुरका थे वो इस वक्त मौजूद नहीं हैं और मुर्तज़ा मलिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की साहिबजादी जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, परवरदिगार आलम इनका भी साया सलामत रख। परवरदिगार इसी तरह हमें दीन की खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमा। परवरदिगार खुसूसन नैयरा आपा के लिए हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला, उन्होंने जिस तरह से इस ट्रांसमिशन को सजाने की कोशिश की और जिस तरीके से जो है वो इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने की जो है ये सही की है और जो सही माना में जिस सिम्प में इसको उन्होंने रवान रखा है उनको परवरदिगार आलम इसका सिला अता फरमा। परवरदिगार इसका सिला अता फरमा। हमारे अयाज़ फरीद साहब जो जिनके साहिबजादगान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, परवरदिगार जिन तरह से इन्होंने इस समा की महफिल को सजाया था और अयाज़ साहब आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त जो है वो यकीनन अलील भी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत आजिला और कामिल अता फरमा। उनका साया इनके बच्चों पर भी और उम्मत मुस्लिमा पर भी परवरदिगार तादेर कायम रख। फसीउद्दीन में नहीं रहते जज़्बात मदीने में जाती है अश्कों की बरसात मदीने में लग जाती है अश्कों की बरसात मदीने हम
تک مدینے میں آ جاتے ہیں ایسے بھی لمحات مدینے چمکتے ہیں ذرات مدینے میں تارے سے چمکتے ہیں ذرات مدینے میں ہر روز مدینے کا ہے عید مسرت کی ہر روز مدینے کا ہے عید مسرت کی شب ایسی ہے جیسے ہو شب رات مدینے میں شب ایسی ہے جیسے ہو شب رات مدینے میں عقبا کی ریاض ایسی کیا فکر مدینے چل عقبا کی ریاض ایسی کیا فکر مدینے چل مل جائے بخشش کی سوغات مدینے میں مل جائے گی بخشش کی سوغات مدینے میں قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے ماشاءاللہ فضی بھائی جزاکم اللہ بالخیر آپ نے تو مجھے وقت سوچنے کا بھی نہیں دیا اللہ آپ السلام علیکم سوچنے کی ضرورت نہیں واہ سبحان اللہ آپ دیکھیں جی اب ہمیں اتنے دن ہوئے تو میرے لیے وہ دن بڑا مسرت کا دن تھا جب ایک ہمارے کالر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں خاص طور پہ اس پہر میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں یہ بڑی ان کی ایک خوش خیالی بھی ہے اور وہ ان کی کوئی کیفیت بھی لیکن اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سید حسین سہروردی صاحب کو اور اندلیب ریاض اور کیا کیا آپ کہتے ہیں اندلیب ریاض رسول اللہ اکبر سبحان سبحان اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے بس بھائی میں اتنا آپ کا ماشاء اللہ مشاہدہ بھی اور سارا سلسلہ ہے یہ 2024 میں جب ہم بلکہ مجھے یاد ہے کہ آپ کا فون آیا میں ملتان میں تھا اچھا اور رات میں حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری سے نکلا اور آپ کا ٹیلی فون آیا اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ سما کہ وہ آپ کو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں ابھی وہیں سے نکلا تو آپ نے کہا ہمارے پیر صاحب کے پاس سے آپ آئے رابطہ کر دیا تو یہ سہروردیوں کے تو امام ہے نا ہندوستان پاکستان اللہ اکبر بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کند آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کند ملتان ماں و جنت اعلیٰ برابر است اچھا آپ جائیں گے ترجمہ بتا دیں بہت ہو گیا نا اچھا میں جب جائیں گے کہ جب آپ جائیں گے حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر تو وہاں ڈھلان ہے بالکل جی سلوپ ہے جی تو وہاں آپ کے قدم خود بخود تیز ہو جاتے ہیں اللہ تو کہا آہستہ پا بنے
कि मलक सजदा मी कुनर, ये यहाँ ये तेज़ चलने की जगह नहीं है, यहाँ आहिस्तगी से कदम रखो कि यहाँ मलाइका जो है सजदा करते हैं। मलक सजदा मी कुनर और मुल्तान माँ व जन्नत आला बराबर कि मेरा मुल्तान और जन्नत आला दोनों रुतबे में बराबर। अल्लाह अच्छा जो रिवायत सुनी हुई है उसके हिसाब से तो ये है कि हुजूर गौस बहाउद्दीन ज़करिया सुहरावर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश सुहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह उस शरीफ वाले हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश उनके पोते हैं, उनके पोते हैं और हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी लाल शाहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह वो भी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के मुरीद हैं, वो भी मुरीद। और ये सारा सिलसिला क्या नेटवर्किंग है ये कमाल। जी जी जो आबाओ अजदाद थे तो उनके सिलसिला भी हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं के सिलसिले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तो रोशनी देखें कहाँ तक फैलती है। आपका लकब है शेखुल इस्लाम। अल्लाह हाँ जो पूरे हिंदुस्तान के मशाइख ने आपको अता किया था। अल्लाह शेखुल इस्लाम। अल्लाह उन्हीं की उन्हीं का फैजान है सारा, उन्हीं का फैजान पूरे जहां में कि हम बिल्कुल बेशक बेशक और हम भी उन्हीं का फैजान हैं। ये मैं बल्कि आपसे भी जानना चाहूंगा कि ये अब कितना ज़रूरी है हमें अपने असलाफ को यानी हमारी बका इसमें कि हम ओन करें, याद करें, उनका जिक्र करें और वो जब हवालों से तो ज़रा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी भी करें। बिल्कुल सही बात है कि ये कहाँ से शम्मा जो है वो रोशन होती है और फिर वो देखिए इनका जो है मुंबा एक ही है और वो है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के उससे ये जुड़े हुए हैं, वहीं से इनको जो है सबको जो है तालीम दी गई है। और आप मैंने जैसे पहले भी ये अर्ज़ किया था कि जितने भी दुनिया के अंदर ज़बानें हैं उनमें हर एक ने सूफिया ने अपना अपना कलाम कहा है, कहा है। लेकिन ज़बानें मुख्तलिफ हैं, ख्याल है, ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप फारसी में देख लीजिए, पंजाबी में देख लीजिए, सराइकी में देख लीजिए, मरकज सबका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ज़ात से जो है वाबस्ता है, वहाँ से वो इल्म चला आ रहा है। अब रहमान बाबा के यो कदम है तो अर्श पुरसी माली दल रफ्तार दरवेशान हो, कहा कि मैंने दरवेश की ऐसी भी रफ्तार देखी है कि एक कदम उनका जमीन पर है और एक अर्श आदम। मुझे भी ख्याल आया कि ये अल्ताफ हुसैन आली साहब का कलाम है ना, या जफर अली खान साहब का वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों। मेरे ख्याल अल्ताफ हुसैन आली साहब का लगता है। आपने कभी पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। अच्छा जी, आज की आपसे जो हमारे सामईन और नाज़रीन और जितने भी हैं, एक तो आप सबका शुक्रिया अदा करना है आपकी रहनुमाई का, आपकी दुआओं का, आपकी आपने हमारी मेरा ख्याल गलतियों से सरफ़ नज़र किया और आपने बड़ी हौसला अफजाई फरमाई हमारी, आपने बड़ी वो पंजाबी में थापड़े और थपकियां दी और हम एक बड़ा इरादा किया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी मेहरबानी फरमाई। फसी भाई, ये जब हम आगाज़ कर रहे थे और ये ख्याल था कि ऐसे करें, लेकिन आपने कैसा रहा सारा एक्सपीरियंस अगर पूछो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा आप लोगों के साथ ये जितना भी वक्त गुजरा बहुत खूबसूरत गुजरा। लेकिन मैं समझता हूँ नूर भाई आपको और नैयर आपा को सारा क्रेडिट जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जी आप दोनों ने जिस तरह नात में अल्हम्दुलिल्लाह नात के फ़रोग का ये एक बहुत बड़ा आपने काम किया है, फ़रोग नात का अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको मैं समझता हूँ के अरसे तक लोगों याद रखेंगे इस नात के प्रोग्राम में। मैं इस हवाले से ना जी समा की मैनेजमेंट को चौधरी साहब जिनका ये ख्वाब और ब्रेन चाइल्ड और वो इतने इखलास के साथ वो कह रहे थे कि मुझे दीन की वो एक वो चाहिए और जैसे भी और वो बड़ी उन्होंने जैसे जैसे वो हुआ उनकी हौसला अफजाई बड़ी रही, लेकिन वो जो एक रूम और वो था कि करें फरोग के लिए काम करें वो एक बहुत बहुत बड़ी बहुत बड़ा काम अब्दुल अजीम खान साहब बहुत उनको भी जी शैलीन तो कप्तान हमारी वो तो कैप्टन ऑफ द शिप है का बहुत बड़ा कैप्टन बहुत वेरी वेरी। देखिए जी ये बात ये कि आपको लगेगा कोई अंजुमन सताइश बाकी है लेकिन ये आज ही का दिन है। अभी आपको पता ये हमारे बाएं हाथ में जो कैमरा मैन है इसके पीछे जो साहब बैठे हैं इनकी आज के दिन के बाद मिला के पांचवें दिन इनका निकाह है और हमने तकरीबन ये मुझे उम्मीद है कि मैं इनसे कहता था कि कैलेंडर पे क्रॉस लगा रहे और बाकायदा गिर रहे। आपने दुआ करनी है, इन्होंने हमें वो सद्दा भी भेजा भाई वो हाथ ला दो वो हाँ और वो उन्होंने कहा तुम कार्ड जब आया तो मैंने कहा मैं तो शायद ना जाऊँ, तुमने शादी में ज़रूर अपनी पहुँचना है ये है ज़रूरी बात। शहबाज हमारे साथ है जी टेलीफोन लाइन पर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। नूर मोहम्मद भाई, क्या हाल है? खैरियत से भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दूसरी दफा मेरा घर राजी खान से रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अल्लाह ताला आपको नूर मोहम्मद का सदका अल्लाह ताला आपको दुनिया की इज्जत दे। आमीन आमीन। इतना प्यारा आप लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं, तीन जाने सबसे बड़ी बात जो आपने अल सैयद मोहम्मद फसीदी जो आपने ग्यारह समय करवाई उनसे नाते सुनवाई, इन नातों का सदका यार आप तो सारे समाज वालों को जितने भी हैं मौजूद है पीछे है जितने भी कैमरा मैन है सबको अल्लाह ताला इसकी अजर और भाई सबको पहुंच गई माशाल्लाह भाई जान। सवाल सब आपको हाथ हिला के शुक्रिया भी कह रहे हैं। और दूसरी बात आपके साथ जो उस्ताद उलमा शेख लबीर मक्तब जी मनाजर हक के आले सुन्नत हजरत अलामा मौलाना दर साहब जो बैठे हैं सुभान अल्लाह और इतनी बड़ी उस्ताद उलमा का दीदार करवाना इन लोगों का तो बयान सुनना तो बड़ी दूर की बात है ना, इनका दीदार भी बड़ी बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र मेरे पास वो कला ख्वाजा मुलाफरी साहब की बात कर रहे थे ना कलाम का, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब ख्वाजा साहब को दीदार नहीं हुआ था ना आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप पर थे इतना मैं मुठड़ी मैं तो जान बना उतना खुश हक दे तो फिर जब दीदार हो गया जब दीदार यार हो गया जब सारे हिजाब सारे पर्दे उठ गए फिर फरमाते थे खलकत को जय भी गोल है हर दम फरीद को। सुभान अल्लाह क्या बात है वाह। तो शाह साहब आप कदम बोसी करते हैं यकीन कर ले शाह साहब बड़ा मैं नमाज पढ़ के ना फौरन भाग के ना टीवी जाके बैठ जाता हूँ क्योंकि हमारा तो नमाज जल्दी जाती इधर जरा खाली खान में अल्लाह तो मैं फौरन भागता हूँ यार कि इनके ये प्रोग्राम ना मिस हो जाए। शाह साहब कितना शाह साहब को नातों की फरमाइश करना बेअदबी ना हो जाए अल्लाह ताला ये भी हमें माफ फरमाए क्योंकि रहमत के दरिया को ना बोलना ना ये भी बड़ी होता है। मैं जब मदीना मुनव्वरा गया था 2012 में तो जैसे मैं उतरा तो पहले पहले 8 फरवरी 2013 में मेरी पहले हाजिरी थी ताजत का टाइम था तो मेरे मुंह से लफ्ज निकल रहे थे रहमत बरस रही है मोहम्मद की। तो आज मैं आप शर्त करूंगा जो आपके वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह का जो कलाम है मुझे में उनकी सलाह का सलीका कहा उनका जो आखिरी शेर है शक नहीं इसमें है रिया घर की जरा वो सरापा अता मैं सरापा खता अल्लाह हम सब की खता है उनका सबका माफ करता है। आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों को अजर अजीम अता फरमाए कि हम जितने रसूल सुनने बैठे हुए हैं अल्लाह करे इसी तरह ये जो समा वाले हम भी शाह साहब के साथ गाते सुनते सुनाते मदीने मुनव्वरा जाए कहते चले इश्क वालों चलो सब मदीने चले सब गुंबद के साए में जीने चले जिसमें माजाल से आओ पीने चले कुर्ब सबको मिलेगा रजा मस्त मस्त। ये सैयद अली रजा शाह बुखारी साहब सैफी नसीमी आजाद कश्मीर के ये उनका कलाम है शाह साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी तो आज बस ये सुनाए और दुआ भी फरमाए हमारे लिए भी अपने लिए भी शाह साहब किबला और अल्लाह ताला किबला शाह साहब को तवील उम्र में कामला अता फरमाए किबला दर साहब को और नूर मोहम्मद साहब को आप जितनी भी आपके जो समाज वालों को सबको मैं सलाम पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इस दात खाने का सदका आप कोई हर दिल मुराद पूरी करे। अच्छा मिसरा उन्होंने कहा कि चश्मे माजाक से पीने चले ये। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ जब हम बहुत दफ़ा अपने ऑडियंस की बात करते हैं तो इस वक्त मैं सुनने वालों को ये बताना चाह रहा हूँ कि सुबह के 5:20 हुए हैं शहबाज साहब का डेरा गाजी खान से ताल्लुक है। आप उनका ज़रा हुस्न तलब और शेरी जौक और मोहब्बत और इश्क का अंदाज़ा लगाएं और आप गुफ्तगू सुने तो हम फिर कहते हैं कि जी लोग क्या सुनना और क्या देखना चाहते हैं तो ये उसकी एक झलक आप देख रहे हैं और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक शहबाज साहब आप शाह जी की बात कर रहे थे वो यही तो कहते हैं जिथे पैर उथे खैर ये तो है सिलसिला और दर्श साहब के तो दर्श को हम तरसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह ने फजल फरमाया। आप मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई माशाल्लाह टंडो आदम से कि बच्चों से मुलाकात उनकी रोशन पेशानियाँ देखी बड़ी तबीयत खुश हुई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी फजी भाई ये मैं मौलाना अकबर दर्श साहब हर रोज चाहता था ये कलाम पढूं। अच्छा माशा आज आखिरी शब है और मैं नहीं पढ़ सका
अभी मेरे ज़हन में आया शहबाज साहब की गुफ्तगू। शहबाज साहब की गुफ्तगू जी जी सुनिए बिस्मिल्लाह। जो राह जाती है सूए जन्नत वो राह पाई तेरी गली में। जो राह जाती है सूए जन्नत वो राह पाई तेरी ठिकाना अपना मगर बनाई तेरी गली में। कहीं नहीं था ठिकाना अपना मगर बनाई तेरी गली में। वजह तखलीक दो जहां है तू नूर तो हीदगा निशान है। तू वजह तखलीक दो जहां है तू नूर तो हीदगा निशान है। खुदा को पाया तेरी गली में मिली खुदाई तेरी गली में। खुदा को पाया तेरी गली में मिली खुदाई तेरी नवाजिश के तूने मुझको छुपा लिया दामन करम में। सियाहकारी पे मुझको अपनी जो शर्म आई सियाहकारी मुझको अपनी जो शर्म आई तेरी गली में। सियाहकारी मुझको अपनी शर्म आई तेरी गली में। अजल का पैगाम जब भी आए तो तेरे रोजे का जाम ना हो। अजल का पैगाम जब भी मुकद्दर का क्या ही कहना। कजा जो आई तेरी गली में। मेरे मुकद्दर का क्या ही कहना। कजा जो आई तेरी गली में।
करे गदाई तेरी गली में लिए हुए का सय तमन्ना करे गदाई तेरी गली में जो राह जाती सुए जन्नत नाराए तकबीर अल्लाह अकबर नाराए रिसाला या रसूल अल्लाह नाराए हैदरी अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह ये दिन मुकरर था ये बहन कर अल्लाह कहां डेरा गाजी खान से एक शहबाज साहब किस पहर में उठते हैं वो बात करते हैं कबूलियत की अल्लाह और ऐसा मंजर पेश किया हजरत ने अल्लाह आप सलामत रहे फसी भाई अल्लाह आपको नज़र-ए-बद से महफूज आमीन 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 हज़रत इमाम मालिक मदीने तैयबा में दर्स हदीस देते थे जी आपने सारी उम्र में एक हज किया जी फर्ज हज अल्लाह उसके बाद आप मदीने तैयबा से नहीं निकलते थे कि ऐसा ना हो कि कहीं जो है वो मदीने से बाहर जो है वो आप विसाल फरमा अल्लाह और पैरों में जूतियां नहीं पहनते थे हमेशा नंगे पैर जो है वो वहाँ जो है वो मदीना तैयबा में रहते थे और अगर कदाए हाजत के लिए भी जाना होता था तो बहुत दूर जाकर जो है वो आप आते थे और ज़ईफ़ी के आलम में भी जो है आपने कभी जो है वो इस अमल को नहीं छोड़ा अल्लाह अल्लाह तो ये असल में वो मोहब्बत के लोग हैं कि मदीने से निकलना भी नहीं चाहते थे कि साहब हम जो है कहीं ऐसा ना कदा कहीं और आ जाए सुभान सलीम शाह साहब लाहौर से है जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कैसे हैं भाईजान खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये शहादत कि मैं मलक फैजुल हसन कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैहि के शहजादे मोहम्मद नूरुल हसन अल मुखातिब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आपकी शफकत जनाब मेरी आवाज आ रही है जनाब तक जी जी बिल्कुल मैं मुरीद हाँ जनाब अलामा सैयद मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सोहरावर्दी साहब रहमतुल्लाह अलैह दे शहजादे तुहाडे कोल बैठे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कोई लफ्ज ना अल्फाज लेकिन आज मेरा दिल कीता सी कि मैं अपने पीर मुर्शिद दे नाल नाल तुहाडे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह दे बारे तुसीं अज तक उन्हां दे बारे कोई जिक्र नहीं कीता यकीनन अज जुने वास्ते भी जिक्र करो और बड़ी खुशकिस्मती होएगी असीं सारे दोस्त उन्हां दे बारे जान सकीए जिन्हां दी तुसीं औलाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को वाकई कोई लफ्ज नहीं कि मैं अदा कर सका तुहाडे बारे और जिन्हें भी दोस्त अहबाब ने पूरी टीम ने जो शबीना इनात सजाया ना अल्लाह यकीनन राजी है मैनू यकीन है अल्लाह तुहाडे इस कोशिश काबिल सदके और मेरे पीर मुर्शिद दे तमाम शहजादे दे सदके साडी सब दी बख्शिश और मकसद फरमाए आमीन और रोजे बादशाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम दी लिवाए हम दशाया अता फरमाए शफात ए कुबरा नसीब फरमाए आमीन मैं बहुत मुबारकबाद देना तुहानू नूरुल हसन साहब अल्लाह तुहानू बुरी नजर तो महफूज रखे अल्लाह बुरी नजर तो सलामत रहो और मेरे पीर मुर्शिद देना शहजादे दी हर कदम ते दस्तगीर और रहनुमाई अता फरमाए अपने वालिद बारे जरूर चंद लफ्ज कहना ताकि सारे दोस्तों ने बारे भी जान सकिए जिन्हां दे तुसी औलाद हो अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जात बहुत आमीन आमीन अल्लाहुम आमीन खास तौर ते मैं सैयद सैयद बिन सोहरावर्दी साहब दी खिदमत च इन्हां दे कदमां नूं हाथ ला के अर्ज करांगा सब पीर पाइयां वास्ते भी दुआ करना मैं ना जी सलीम साहब सिर्फ ए गल कहांगा एक दिन अब्बा जी अल्लाह बख्शे मैं कहन लगे यार तैनूं पता मैं तेरे वास्ते की दुआ करना
मैं क्या जी दसो कह लगे मैं तेरे वास्ते दुआ करना कि अल्लाह तेरे बदखावां नूं खैरखावां च तब्दील कर दे। आमीन। वाह वाह। ते मैं उहदे बड़े सारे मुजाहरे देख चुका सी, मैनूं समझ नहीं आंदी सी। लेकिन एक गल मैं तुहानूं दस्सां, पल्ले ते कुछ नहीं, 30 दिसंबर 2020 को फसी भाई मैं चला गया, अब्बा जी गए। अल्लाह अल्लाह। मैंने ये बात कभी सुनी थी, जब अशफाक साहब का विसाल हुआ तो असीर अहमद खान साहब ने, उनके छोटे बेटे, तो उन्होंने एक दिन कहा, उन्होंने कहा यार 7 सितंबर 2004 नू अशफाक अहमद नहीं गया, बानो कुदसिया चली। तो वो मैं उस वक्त मैंने सुना तो मैं नहीं समझा, तो वो बाद में फिर आई जी समझ। और वो ऐसा फिर अजीबोगरीब सिलसिला एक बना कि 7 सितंबर 2004 को बाबा जी शफाक साहब का विसाल हुआ और 7 सितंबर 2011 उसी तारीख को अम्मी का भी विसाल हुआ, उसी एक तारीख। अल्लाह। तो मुझे लगा था क्या चलो वंडना होए वो सारा। तो वो ना जी मैं एक एक जो हमारे दादाजी अब्बा जी को कहते थे और मेरे अब्बा जी ने मुझे कहा, और ये उन दोनों हस्तियों का इतना बड़ा एहसान है कि जो शायद मेरा ख्याल कोई नहीं दे सकता। मेरे दादाजी ने अब्बा जी को कहा, अब्बा जी ने मुझे कहा कि मैंने लुक्मा हराम तुम्हारे हलक से नहीं उतरने दिया। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और मुझे कुछ इजाज़त होगी जी, बिस्मिल्लाह। फैज़ुल हसन कादरी रहमतुल्लाह अलैह की एक नस्बत ये भी है, वो हज़रत सैयदना पीर ताहिर अलाउद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नूर भाई के पूरे घराने को हज़रत पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़। जी, पीर ताहिर अलाउद्दीन जी, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। वो यहाँ डिफेंस में कराची में, कराची में उनका वो है रिहाइश थी। मैं अपने उस्ताद के भाई मेरे मौलाना असगदर साहब, मैं और अल्लामा नसरुल्लाह खान साहब जो अफगानिस्तान इंटरिम गवर्नमेंट मुजद्दिदी साहब की थी उसके चीफ जस्टिस। अच्छा जी। वो हमने दौरा हदीस भी उन्हीं के साथ पास किया था। तो वो हम मिलने के लिए हजरत के पास गए, चार अफराद थे, चौथे का मैं नाम नहीं लेना ले रहा हूँ। तो हम मिलने गए तो उस वक्त जाहिरी बिनाई तो उनकी जी वो तो, लेकिन ये है कि हम बैठे तो उन्होंने हमसे पूछा, हम असगर भाई से और मुझसे, कहने कि आप जहूर का कौन है, हमारे वालिद का नाम लिखा जहूर हसन दर्स, कहने कि आप जहूर का कौन है। हमने कहा कि साहब हम उनके बेटे हैं, समझे ना। बोले हम जहूर के साथ खेला है। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह बात पर कहने के वो हमारे वो पीर अब्दुल सलाम कादरी आते थे, वो अपने चचा के साथ हमारे वालिद दादा के पास आते थे। तो वो जो है कहने लगे, हम मैं जब वहाँ आता था तो बोला कि हमने तो जहूर के साथ खेला है। फिर उसके बाद उन्होंने किताब निकाली एक जो हुजूर गौस पाक का मदार अकदस रीबिल्ड हो रहा था उस जमाने का। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी खतीर रकम हमारे वालिद ने जमा कर करके वहाँ भेजी बगदाद शरीफ। अल्लाह अकबर। और वो रकम जो है वो फिर उन्होंने वो किताब निकाल कर दी हमें और उसको कहा कि देखें यहाँ ये आपके वालिद का नाम जो है वो हमने अल्लाह किया है। फिर एक किताबचा था, वो मुझे कहा कि साहब पूरा किताबचा आप पढ़ो इसको मेरे सामने। जब मैंने वो तो उर्दू में था, वो मैंने सारा का सारा जो है वो उनके सामने पढ़ा। वो एक एक लफ्ज़ पर जो है वो बड़ी जो है जी, वो जो है ना जी नरमी जो है, मतलब वो जो आप चेहरा मुबारक रूपी साहब का और हाथ का वो जो लफ्ज है वो मैं आपको बताऊं, बल्कि ये फजी भाई बात के काम आ जाएगी। 83-82 की बात है जी, मैं छठी में था और उसी में एक वो सिलसिला भी हुआ और बैत का, जिसमें अब्बा जी भी और फिर अंकल अफजल भी और जनाब ताहिरुल कादरी साहब भी उसी में बैत वो हुए उसी नशिस्त में, और मैं भी मेरा भी हाथ में था। तो उसमें एक सवाल मैं आज आपसे वो ज़रूर शेयर करूँगा। तो किसी ने कहा कि साहब वो रूपी साहब बहुत जाली लोग आ गए और डब्बा पीर और इस तरह की को बातें करने लगे, लोग ये करते हैं तो सारा। तो बड़ा उन्होंने वो कहा, उन्होंने कहा बाबा केटी खरीदने जाते हो तो वो मेड इन जापान की मोर भी मिलती है ना। तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो कैसे पता करते हो कि असली है। तो उन्होंने कहा जी वो उसकी वो क्वालिटी से, उन्होंने कहा ऐसे ही ढूंढना होता है बस। अल्लाह अकबर। हाँ, मोर पे नहीं, वो भी मिलता है ना, वो भी मिलता है, वो भी दुकान चलता है ना ये। अब वो जो तलब है ना जी आपका,
जो आपका हुस्ने तलब है सुभान अल्लाह। और फिर अब्बा जी की बात वो फिर ये मुझे बार बार वो कहते थे याद रखी दो नंबर इस गल की सनद है कि कोई एक नंबर है क्या बात दो नंबर से वक्त जाया नहीं करना एक नंबर को पुरस्कार क्या कह रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कॉफी तो तभी बनती है जी जब असल होता सुभान अल्लाह। अरे उसमें चार अफराद का कहा ना मैंने कि एक का मैं नाम नहीं लेना चाहता जी, तो वो भी हमारे साथ थे वो जरा सा दिल में उनके जो है वो पीर साहब से इतनी ज्यादा अकीदत वो एहतराम नहीं था। तो पीर साहब ने क्या किया कि एक किताबों का सेट पूरा मुझे दिया एक असगर भाई को दिया और एक सेट जो है हमारे उस्ताद अल्लामा नसरुल्लाह खान साहब को दिया उनको नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह यानी बसारत खो गई तो क्या बसीरत तो सलामत। बड़ी बड़ी कमाल जी बात हो चुकी आप बिनाई में कह रहे मुझे आदत सिद्दीकी साहब टीएनटी में होते थे और उनकी पहली बार हुजूर पीर साहब से मुलाकात हुई पीर साहब घर हमारे आए तो उनकी रीश मुबारक बड़ी लंबी थी और वो तो बात करके कहने लगे दाढ़ी देर में रखा वाह क्योंकि वो जो तो वो लंबाई अच्छा वो शुरू में नहीं तो वो ऐसे ही अब वो जो एक है ना जी वो जिसे आप वो मर्दम शनासी कहेंगे और दूर अंदेशी और फिर सीधा गौसुल आजम औलाद में से और वो आप अल्लाह अकबर कबीरा। अब हमारे साथ मैं जी बड़ी बड़ी माजद गिलगित बल्तिस्तान से बल्कि बल्तिस्तान से या गिलगित से कॉलर है हमारे गिलगित से मोहम्मद रफीक साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नूर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नूर भाई मैंने 12वें जना रमजान को मैंने जना आपको कॉल की थी और फरमाइश भी की थी वो फरमाइश मेरी जना आज इंशाल्लाह पूरी होनी चाहिए और आपने वादा किया था कि आखिरी अशरे में जना हम आपको ये नाम सुनाएंगे और जना इंशाल्लाह मैं जना 3 दिन से हमारा तो इस मौसम का भी पता नहीं चलता है। अच्छा जी सही पूछो तो मैं असल में हूँ जना सुबह जिंदा रहने वाला मगर मैं इस वक्त जना मुआफ़िज़ खड़ा हूँ। अच्छा जी पाकिस्तान की खातिर तो हमारी फरमाइश है मेरे साथ एक साथी भी है मोहम्मद असलम कोलचा से वो भी मेरे साथ बैठे हैं तो हमारी फरमाइश है और मैंने जो ना फसीदीन साहब से भी जना थोड़ी बात करनी अगर हो सकती है तो जी जी बात भी करें और फरमाइश भी करें। जी जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बशाओ कैसे हो आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है जी माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपको देख के भी और नूर भाई ने जो आजकल जो ट्रांसमिशन चलाई है समाज इसकी क्या बात है माशाल्लाह अल्लाह ताला आप दोनों को जो हाजिर है अता फरमाए दुआएं हमारी आलों के साथ और प्रोग्राम प्रोग्राम को भी देख के बड़ी खुशी होती है। अच्छा फरमाइश बता दीजिए। जी जी फरमाइश है कि एक नात बड़ी मशहूर नात है फसीदीन साहब की माशाल्लाह अलविदा अलविदा माहे रमजान अलविदा इसी की बजाय मैं बड़ा बेताब बैठा हूँ इतना हमने इस पे गुफ्तगू कर तो ली। हाँ इस पे को बात की थी फसी भाई ने पढ़ने का वो इस पे भी ये बात कर रहे थे कि वो अलविदा भी हमें कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए इस पे एक बात हो रही थी लेकिन हम देख लेते कि कुछ शेर शेर एक आपको एक शेर पढ़ दूं जरूर 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 जजाकल्ला। अच्छा नूर भाई भी जिक्र कर रहे थे कि इनके वालिद साहब इनके लिए जो दुआ फरमाते थे जी जो दुआ आपको जी मेरी अहलिया अक्सर अब्बा जी से कहती थी कि मेरे लिए इनके लिए दुआ करें जी। तो अब्बा जी हमेशा ये फरमाते थे कि मैं फसीउद्दीन के लिए वो दुआ करता हूँ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा के लिए फरमाई। अल्लाह जब ग़ज़वे अहज़ाब पर आपने कुफार की तरफ भेजा और कहा कि या अल्लाह हुज़ैफ़ा की दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हिफाजत फरमा तो वो दुआ मैं फसीउद्दीन के लिए करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अब्बा जी की ये दुआ हज़रत हुज़ैफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो हज़रत हुज़ैफ़ा के लिए थी ये उस दुआ का सदका है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरी हिफाजत फरमा जो मेरे अब्बा जी ने मेरे सही बात। आप यकीन करें मतलब दुआओं के क्या असर है कि मैंने एक बार नहीं फसी भाई कई बार देखा कि जो जिसे मैं समझता हूँ कि वो मेरा मुखालिफ है और मेरे लिए पसंदीदगी नहीं रखता वो मेरा केस लड़ रहा है अल्लाह अकबर और मेरी अकल काम नहीं कर रही कि ये क्या हो रहा है क्या कह तो वो तो बाद में उकदा खुला के अब्बा जी ने कहा कि वो तो इस तरह है तो वो बड़े ना जी ये सिलसिले जो हैं सही बात ये बड़े अजीब हैं और नहीं आपको अंदाजा होता। और फसी भाई भी उस रोज में अभी फसी भाई से बात कर रहा था उस रोज हमारे सैयद जैनुल आबदीन का वो जो पॉडकास्ट शुरू होना है जेड टॉक के नाम से उसमें बात हो रही थी तो मैं इनसे ये पूछ रहा था फसी भाई से मैंने कहा अब्बा जी का कब पता लगता है तो उन्होंने कहा अब्बा जी बनने के बाद पता लगता है कि अब्बा जी क्या और ये एक हकीकत है बिल्कुल बिल्कुल कि वो आप जानते हैं और वो एहसास होता है लेकिन बड़ी जी बहुत क्या 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 आप बड़ी बड़ी आप सबकी मोहब्बत वो असल में बात ये भी मैं आपको बताऊँ ना जी ये भी एक फैक्ट है और इसमें मानना चाहिए मीडियम में जैसी हमने जो सीखा या तरबियत थोड़ी वो ये कि आप अतुल बसा अपने बारे में बात नहीं करते हैं मीडियम पे वो मुनासिब नहीं लगता ये अच्छी बात नहीं है
वो अजीब सा लगता है कि आप खुद ही अपने बारे में बात करें। वो हमने ये नहीं अपने बड़ों से बुजुर्गों से ये वाली नहीं आई वो एक बात, लेकिन वो अब आप रसीदे कहाँ से देते हैं तो आप जाने, अल्लाह आपको सलामत रखे। फसी भाई बिस्मिल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शेह बदहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शेह बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने अर्श पे उड़ता है हरेरा तेरा, खुसरावा अर्श पे उड़ता है हरेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना डाल, तेरे टुकड़ों से पले झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, सियां की हकीकत कितनी, मुझसे सौ लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे सौ लाख को काफी है इशारा तेरा, चोर हाकिम से छुपा कर चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, तेरी सरकार शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वहाँ क्या जूदो करम है शहे पतहा तेरा।
वसी भाई हमारे पास कोई 4.5 से 5 मिनट हैं और आज ये दिल था वो फरमाइश भी थी कि आप सलाम के शेर पढ़ें और फिर अमजद भाई वो जो एक दुआया कलाम पढ़ते थे आज हम इख्तिताम उस पे अगर सलाम की बात कर ले सलाम के साथ ही वो जी साथ ही साथ ही बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह या शफी अल वरा सलामुन अलैक या नबी अल हुदा सलामुन अलैक या शफी अल वरा सलामुन अलैक या नबी अल हुदा सलामुन अलैक इन्ना का मकसदी ओ मल जाई इन्ना का मकसदी ओ मल जाई इन्ना का मकसदी ओ मल जाई इन्ना का मुदा सलामुन अलैक या शफी अल वरा सलामुन अलैक या नबी अल हुदा सलामुन अलैक लैला तसरा बिही कालातिल अंबिया लैला तसरा बिही कालातिल अंबिया लैला तसरा बिही दिल अंबिया मुस्तफा मुजतबा सलामुन अलैक मुस्तफा मुजतबा सलामुन अलैक सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नजाए सलाम या रहमत लिल आलमीन या इलाही वाजदा आले रसूल ये सलाम حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا شفیع العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین ان التجا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیها النبی المحترم من وجهه شمس الضحا من خده بدر الدجا من ذاته نور الهدى من کفه بحر الرحمان اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفی طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحترم يا رحمة للعالمين أدرك جميع المسلمين يا رحمة للعالمين أدرك جميع الحاضرين يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين محبوس أيدي الظالمين
بل موقبی والمجدحم مولایا صلی و سلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الاسد في اعجامها تدمی. پروردگار ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما, جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. پروردگار زبیدہ خاتون اور عائشہ بی کے لیے خصوصیت سے اور ریحانہ بی کے لیے دعاؤں کی درخواستیں ہیں, ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. پروردگار جتنے حاضرین ہیں اور جتنے ناظرین ہیں ان سب کی, جو گھروں میں اگر کسی کے بیماری ہے ان سب کو بھی صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. پروردگار مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرما, اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما, اس کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما, یہاں کے رہنے والوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد کی برکتوں کا نزول فرما, دریاؤں کو روانی, کھیتوں کو سرسبزی اور شادابی, اور معیشت کو مضبوط اور مستحکم فرما. پروردگار غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما, پروردگار غزہ کے مسلمانوں کی غیر سے امداد فرما, پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. پروردگار جو بچے اور ضعیف اور خواتین وہاں شہید ہو گئی ہیں ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. جتنے پروردگار عالم آپ